This conference will now be recorded. चंद लम्हे चाहिए फिर मैं शुरू करती हूँ. This conference will now be recorded. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزنة عرشه مداد كلماته ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. Conference will now be recorded. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورداء نفسه وزنة عرشه مداد كلماته ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت अजीज साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दौरे कुरान का 25वां दिन है और हम अपना 25वां पारा शुरू कर रहे हैं। हमने कल 24वें पारे में सूरह हामीम सजदा को आयत 46 तक समझा था और आज यही सूरा भी जारी है और मैं इसी की आयत 47 से अब आगे तर्जुमा पढ़ना शुरू करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा, अजीज साथियों, जो आयात 47 टिल 48 है, शिर्क करने का हसरतनाक अंजाम इनमें बयान हुआ है। उस सात का इल्म अल्लाह ही की तरफ से राइज होता है। वो ही उन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफों में से निकलते हैं। उसी को मालूम है कि कौन सी मादा हामला हुई है और किसने बच्चा जाना है। फिर जिस रोज वो इन लोगों को पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक, ये कहेंगे हम अर्ज कर चुके हैं, आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। यानी जो भी शिर्क में मुब्तिला रहा जिंदगी में वो एतराफ करेगा। बहुत माजरत। तर्जुमा, उस वक्त वो सारे माबूद इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई जायपनाह नहीं है। अजी साथियों, अब आयात 49 टिल 51 में जो टॉपिक है वो है अक्सर इंसान नाशुक्रे और बेसब्रे हैं। तर्जुमा, इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है। पीछे से तर्जुमा पढ़ती हूँ। तर्जुमा, उस वक्त वो सारे माबूद इनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें इससे पहले पुकारते थे और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। अब आया 49 टिल 51, अक्सर इंसान नाशुक्रे और बेसब्रे हैं। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है, मगर जो ही के सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम इसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं, ये कहता है कि मैं इसी का मुस्तहिक हूँ और मैं नहीं समझता कि कयामत कभी आएगी, लेकिन अगर वाकई में अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहां भी मजे करूंगा। हालांकि कुफ्र करने वालों को लाजमन हम बता कर रहेंगे कि हालांकि कुफर करने वालों को हम लाजमन बता कर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं और इन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मजा चखाएंगे। अजीज साथियों, मैं समझती हूँ कि ये तस्कीर के लिए आयात है कि हम याद रखें इस बात को, क्या कि ये मजमून कुरान में बार बार दोहराया गया है कि इंसान भलाई की दुआएं मांगते नहीं थकता और जब आफत आती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है, रहमत मिलती है तो कहता है मैं इसी का मुस्तहिक हूँ। अकॉर्डिंग टू आयात 49 टिल 50, ऐसा क्यों होता है? बात ये समझ आती है कि दरअसल ये सब्र की कमी का नतीजा है
जो ईमान की कमजोरी से हो जाती है, जैसे इंसानी जिस्म की रगों में दौड़ता फिरता खून और इसकी सेहतमंदी ही पूरी तंदुरुस्ती का इन्हिसार इस पर होता है ना। हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो 100 बीमारियों की एक बीमारी खुद यही है कि खून जो है वो एक तरह से समझे फासिद हो गया या उसमें गड़बड़ हो गई है। इसी तरह ईमान रूह इंसानी की रगों में जितना तंदुरुस्त होगा, जितना इसका पैमाना ऊंचा होगा, इतना ही हर किस्म की रूहानी बीमारी से बचाव मुमकिन होगा। ये बड़ी अहम बात है, मैं इसको फिर दोहराती हूँ। इसी तरह ईमान रूहे इंसानी की रगों में जितना तंदुरुस्त होगा, क्योंकि रूह का भी तो अपना एक जिस्म है ना, और उसकी अपनी एक गिजा है, और उसकी गिजा अल्लाह का जिक्र है, ईमान है। तो इसी तरह ईमान रूहे इंसानी की रगों में जितना तंदुरुस्त होगा, जितना हेल्दी होगा, जितना एनर्जेटिक होगा, जितना इसका पैमाना ऊंचा होगा, इतना ही हर किस्म की रूहानी बीमारियों से बचाव मुमकिन होगा। ईमान की कमी से सब्र नहीं रहता, सब्र ना हो तो फिर मसला है, थड़दिली है। छोटी छोटी परेशानियां इंसान को हवास बाख्ता कर दे देती हैं, मायूस दिल शिकस्ता कर देती हैं। ये हमारी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है ना। ये मायूसी शैतान की हमराई की वजह से भी होती है। नेमत रहमत मिलती है तो इंसान अकड़ने फखर जताने लगता है, ये भी सब्र ही की कमी होती है। जबकि जो आला जर्फ होते हैं, मसलन हजरत सुलमान अलैहि सलाम ने यही सब्र की ब्रेक तो मांगी थी अजीम शान नेमतों पर, या अल्लाह मुझे काबू में रख। लेकिन जो कम जर्फ इंसान है वो आपे से बाहर हो जाता है। नेमत की वजूहात अपनी अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी लियाकतों को, अपनी दानाइयों में तलाश करता है और आफतों को अल्लाह के जिम्मे लगा देता है, नाउजुबिल्ला। हालांकि एक्चुअली इसके बिल्कुल उलट है। नेमतें अल्लाह की अता होती हैं, आफतें या इम्तिहान और या आजमाइश होती हैं, या हमारे अमाल का नतीजा। इस गलत रोई पर अल्लाह ताला अजाब गलीज, गंदे अजाब की सजा सुनाते हैं आयत 50 में। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। अजीज साथियों, अमूमन अजाब अलीम यानी दुख देने वाला अजाब या अजाब मुहीन जिल्लत देने वाला अजाब का जिक्र आता है, लेकिन इस गंदी हरकत पर अजाब गलीज की वईद आई है। मैं फिर बोलती हूँ, लेकिन इस गंदी हरकत पर अजाब गलीज की वईद आई है। यहाँ से जो पॉइंट निकलता है हमारी थीम कुर्ब इलाही के हवाले से, वो ये है कि मैंने इस रवैये से बचना है, मैंने इस रवैये से बचना है, और मैंने नेमतों को अल्लाह के साथ मुंसलिक करना है कि ये उसकी अता है, और अपनी खताओं पर नजर रखनी है। तर्जुमा, इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता और अकड़ जाता है, और जब इसे कोई आफत छू जाती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान खुदा ही की तरफ से हुआ और तुम इसका इनकार करते रहे तो शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर तक निकल गया हो। अनकरीब हम इनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इन पर ये बात खुल जाए कि ये कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का शाहिद है? आगाह रहो, ये लोग अपने रब की मुलाकात में शक करते हैं। यानी इनके इस रवैये की बुनियादी वजह यह है कि इन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि कभी इनको अपने रब के सामने वाकई सामने जाना है और अपने अमाल की जवाबदेही करनी है। सुन रखो, तर्जुमा सुन रखो, वो हर चीज पर मुहित है, यानी उसकी गिरफ्त से बचकर हम कहीं नहीं जा सकते और उसके रिकॉर्ड से हमारी कोई हरकत छूट नहीं सकती। अजीज साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारी सूरह हामीम सजदा मुकम्मल हुई, और अब हम शुरू करेंगे सूरह शूरा। इसका तारुफ मैं सबसे पहले आपके सामने रखती हूँ।
अजीज साथियों, अजीज सूरा शूरा जो है वो मक्की सूरा है और इसका जो इसकी जो आयात है वो 53 है, और अगर हम इसके टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड करें तो वो तकरीबन 7 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। और इसका जो मरकजी मजमून है वो ये है कि वही की रोशनी में इकामत दीन की मशरूयत को समझकर इज्तमाई नज्म कायम करो। मैं फिर पढ़ देती हूँ, इसको गौर से सुनिएगा क्योंकि फिर पूरी सूरत में आपको ये मरकजी मजमून की गूंज सुनाई देगी। वही की रोशनी में इकामत दीन की मशरूयत को समझकर इज्तमाई नज्म कायम करो। मशरूयत से आप मुराद ये ले लें कि इसका लाजिम होना, ठीक है। और इसका जो जमाना नुज़ूल और पस मंजर अजीज साथियों वो कुछ यूं है कि सूरह शूरा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कयामे मक्का के आखिरी दौर में यानी गालिबन 1390 में नाजिल हुई। ये वही जमाना है जब सूरह ज़ुखरफ़, सूरह अल इनाम और सूरह अल इराफ भी नाजिल हुई। ये वही सूरह है जब सूरह ज़ुखरफ़ और सूरह अल इनाम और सूरह अल इराफ भी नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इज्तमाई फैसले और साजिश का जिक्र है। जब कुरैश मक्का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बारे में बदस्तूर शक में मुब्तिला थे, मौलाना इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये दाई खिताब की सी हैसियत रखती है। दरअसल ये सूरत मदीना मुनव्वरा में इस्लामी हुकूमत की क्याम की तमहीद है, जिसमें अल्लाह के कानून यानी अल्लाह की शरीयत को नाफिज करने के लिए और इकामत दीन के लिए शुराइयत पर मुश्तमिल आदिलाना इज्तमाई निज़ाम इस्लामी रियासत कायम करने की हिदायत दी गई है। इस सूरत में शरीयत खुदावंदी और खुद साख्ता शरीयत इंसानी का फर्क बताकर तौहीद हाकमियत की वजाहत की गई है। सूरह शूरा का किताबी रब्त अजीज साथियों पिछली सूरह हामीम सजदा में जमीन पर तकबर का मुजाहरा करने वाले अल्लाह के दुश्मनों का जिक्र था, यहाँ सूरह शूरा में उनसे मुकाबले के लिए वही पर मुश्तमिल आसमानी तदबीरें बयान की गई है। मुसलमानों को चाहिए कि वो शुराइयत पर मबनी एक इस्लामी रियासत कायम करके अल्लाह के दुश्मनों का कला कमा करें। अजीज साथियों ये गौर से पॉइंट सुनिएगा ताकि आपको सूरत फिर अच्छे से समझ आए। और अगला पॉइंट ये कि अगली सूरह ज़ुखरुफ़ जो है वो उसमें अल्लाह ताला की तकवीनी और तशरी हाकमियत का जिक्र है। अल्लाह के दुश्मन अल्लाह की बजाय अपने आप को हाकिम आला समझने लगते हैं, ठीक है अजीज साथियों। इसी तरह अल्लाह गालिब व हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा है। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसी का है, वो बरतर और अजीम है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े, फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के हक में दरगुजर की दरख्वास्तें किए जाते हैं। आगा रहो, हकीकत में अल्लाह गफूर और रहीम ही है। जिन लोगों ने उसको छोड़कर अपने कुछ दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर निगरान है, तुम उनके हवालादार नहीं हो। अजीज साथियों एक मरतबा फिर आसमान फट पड़ने की वईद आई है। अल्लाह किस बात पर गजबनाक है, दिल सहम जाता है। हम तो पटाखे भी फटे तो डर जाते हैं, बहुत से लोगों के साथ ऐसा मामला होता है, अल्लाह को कैसे राजी करें। बात यह है कि ये शिर्क ही है जिस पर अल्लाह का गजब इतनी शिद्दत से भड़कता है। और ये कि फरिश्ते इंसानों के की करतूतें देख देख कर और उसकी बगावत और सरकशी पर अल्लाह के हुजूर दरगुजर की दरख्वास्त करते और उसकी हम्द व तस्बीह करते रहते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की अजमत तो हैबत से वाकिफ और इंसान जाहिल है। लिहाजा बार बार समझाने के बाद भी किसी ना किसी तरह अल्लाह के साथ शिरक कर गुजरता है।
बराए रास्त शिर्क बुतों सूरज आग की परस्तिश नबियों बुजुर्गाने दीन को अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लेना, इन्हें किस्मतों के बनाने बिगाड़ने का इख्तियार दे देना, के अलावा अनगिनत गैर महसूस शिर्क भी किए जा रहे हैं। रिया भी शिर्क है, अल्लाह की रजा की जगह बंदों की रजा चाहने लग जाना ये भी शिर्क है। और फिर आज की दुनिया में बातिल की ताकतों के आगे पूरी उम्मत का सरबा सजूद हो जाना ये भी वाजे शिर्क है। इसी वजह से अल्लाह का इतना गजब है। तर्जुमा, हाँ इसी तरह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान अरबी हमने तुम्हारी तरफ वही किया है। ताकि तुम बस्तियों के मरकज, हाँ इसी तरह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान अरबी हमने तुम्हारी तरफ वही किया है ताकि तुम बस्तियों के मरकज शहर मक्का और इसके गिर्दो पेश रहने वालों को खबरदार कर दो और जमा होने के दिन से डरा दो, जिसके आने में कोई शक नहीं है। एक ग्रोह को जन्नत में जाना है, दूसरे को दोजख में। अजीज साथियों, मुझे 5 मिनट की ब्रेक चाहिए, मैं दोबारा फिर आपको ज्वाइन करती हूँ। अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक आलिया बाजी वापस आती हैं, हम इंशाल्लाह एक हदीस सुन लेते हैं। हदीस इब्ने माजा की है, इसका टॉपिक है सदका जारिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद मोमिन को कुछ नेकियों का सवाब बराबर मिलता रहता है। मसलन, किसी को इसने दीन की तालीम दी है और दीन का इल्म फैलाया है, तो जब तक इसके पढ़ाए हुए लोग दुनिया में नेक काम करते रहेंगे, इसे भी सवाब मिलता रहेगा। अगर इसने अपने बच्चे की तरबियत की और उसके नतीजे में वो नेक हुआ, तो जब तक ये लड़का नेक काम करता रहेगा, तो इसके बाप को भी बराबर सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह किसी ने कुरान पाक खरीद कर वक्फ किया, या मस्जिद की तामीर की, या मुसाफिरों के लिए कोई सिराय बनवाई, तलबा के लिए कोई कमरा तामीर कराया, या नहर खुदवाई, या अपनी ज़िंदगी में हालत सेहत में कोई और नेक काम किया और इसमें अपना पैसा लगाया, तो जब तक उसकी चीज़ों से लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, उसके नामाए आमाल में सवाब लिखा जाता रहेगा। प्यारी बहनों, इसकी तशरीह कुछ इस तरह है कि आदमी जब मर जाता है तो उसके अमल का खाता बंद कर दिया जाता है, लेकिन ऐसी इज्तिमाई नेकियां जिन्हें हम सदका जारिया कहते हैं, उनका सिलसिला ख़त्म नहीं होता। जब तक लोग उसकी तामीर करदा या वक्फ करदा चीज़ से फ़ायदा उठाते रहेंगे, उसके नामे आमाल में उसका सवाब बराबर लिखा जाता रहेगा। बस लोगों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में इस तरह के नेक काम ज़्यादा से ज़्यादा कर जाएं, जिनके सवाब का सिलसिला ख़त्म ना हो, क्योंकि जब आखिरत का वक्त आएगा तो उस वक्त हमें अपनी ये नेकियां ही चाहिए होंगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत आसानियां करे, हम सब से राज़ी रहे, हमें तौफीक दे कि हम हक़ को समझें, हक़ पे अमल करने वाले बने, और जो हम ये हर रोज़ का फहम हासिल कर रहे हैं, आज 25वां दिन है कुरान से जुड़ने का, हम जो ये फहम हासिल कर रहे हैं, इसको हम अपनी ज़िंदगियों में पूरे दिल से पूरे इखलास के साथ लागू कर सकें, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा इखलास भी देखता है। जैसे पिछले दिनों में कुरान की तफसीर में एक स्टोरी भी आई थी, एक वाक्या आया था इखलास से रिलेटेड, कि सिर्फ ज़बानी कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहना, दिल से उस पर अमल करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, जो बहनें हम यहाँ पे बैठी हैं,
और जो बाद में ये रिकॉर्डिंग सुनने वाली हैं, जो आगे भेजने वाली हैं, ये सारे के सारे नेकियों के अजर उनके लिए ढेरों ढेर जमा कर ले। एक के बदले 70 गुना का वादा है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा का आपको सवाब दे सब बहनों को और आगे भेजने वालों को, और हम उन लोगों में शामिल हों कि जब हम कियामत के दिन उठें तो हमारे नामाए आमाल हमारे दाएं हाथ में मिले और हम पे फरिश्ते सलाम करने वाले हों और हम पुल से रात से अपनी इन नेकियों की रोशनियों के बदले गुजर जाएं। आलिया बाजी आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीरा। अजीज साथियों, मैं पीछे से ही तर्जमा शुरू करती हूँ ताकि कॉन्टिन्यूटी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम आइन साकी आइन साको। इसी तरह अल्लाह गालिब हकीम। इसी तरह अल्लाह गालिब हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा है। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है उसी का है, वो बरतर और अजीम है। करीब करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े, फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और जमीन वालों के हक में दरगुजर की दरख्वास्तें किए जाते हैं। आगा रहो, हकीकत में अल्लाह गफूर और रहीम ही है। जिन लोगों ने उसको छोड़कर अपने कुछ दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर निगरान है, तुम उनके हवालादार नहीं हो। यहाँ तक मैं आपके साथ अजीज साथियों बात रख चुकी थी, आगे बढ़ते हैं। तर्जमा, हाँ इसी तरह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान अरबी हमने तुम्हारी तरफ वही की है ताकि तुम बस्तियों के मरकज शहर मक्का और उसके इर्द गिर्द पेश रहने वालों को खबरदार कर दो और जमा होने के दिन से डरा दो, जिसके आने में कोई शक नहीं। एक ग्रोह को जन्नत में जाना है, दूसरे ग्रोह को दोजख में। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है और जालिमों का ना कोई वली है ना मददगार। क्या ये ऐसे नादान है कि उन्होंने उसे छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं? वली तो अल्लाह ही है, वो ही मुर्दों को जिंदा करता है, वो हर चीज पर कादिर है। अजीज साथियों, अब बहुत इंपॉर्टेंट आयात हैं, 10-12। हाकिम अल्लाह ही को तस्लीम करो। तर्जुमा, तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तिलाफ हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। आसमानों और जमीन का बनाने वाला, जिसने तुम्हारी अपनी जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए और इसी तरह जानवरों में भी उन्हीं के हम जिन्स जोड़े बनाए और इस तरीके से वो तुम्हारी नस्लें फैलाता है। कायनात की कोई चीज इसके मुशाबे नहीं है। वो सब कुछ सुनने और देखने वाले, आसमानों और जमीन के खजानों की कुंजियां उसी के पास हैं। जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपा तुला देता है, उसे हर चीज का इल्म है। अजीज साथियों, जैसे मैंने सूरह शुरा के तारुफ में आपके सामने बात रखी थी, अब ये उसी हवाले से डायरेक्ट आयत 13 आ गई, अकामत दीन का हुक्म। तर्जुमा, उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकरर किया जिसका हुक्म उसने नूह को दिया था और जिसे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम्हारी तरफ हमने वही के जरिए से भेजा और जिसकी हिदायत हम इब्राहिम और मूसा और ईसा को दे चुके हैं। इस ताकीद के साथ कि कायम करो इसके दीन, इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन को और उसमें मुतफरक ना हो जाओ। यही बात इन मुशरिकीन को सख्त नागवार हुई जिसकी तरफ ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इन्हें दावत दे रहे हो। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। अजीज साथियों,
मैं इस आयत पर रुकूंगी और कुछ बात रखना चाहूंगी। हमने बल्कि इस पर स्लाइड भी बनाई है। हम मुसलसल कुरान में एक तकरार सुनते हैं ना, जिसमें जो के तकरार ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा ही था कि जो अफराद थे जो आपकी दावत का इनकार कर रहे थे, तो वो जो मुख्तलिफ इल्जामात लगाते थे उसमें से एक इल्जाम ये भी इस कुछ इसी नौयत का था कि जैसे आप कोई बहुत नई बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम गौर करें, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नया दीन लेकर आए थे? क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके पिछले पारों में कि दीन अव्वल दिन से ही एक ही था। हर नबी इस्लाम की ही दावत लेकर आया और एक ही मैसेज था सबका, फत्तकुल्लाह वातियून, अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, यानी रसूल की। वक्त हालात अदवार की मुनासबत से छोटे छोटे फर्क तो रहे, लेकिन असल जड़ बुनियाद हमेशा एक ही रही। इसी की याद दहानी आयत 13 में अल्लाह ताला करवा रहा है कि ये नया दीन नहीं है, वही है जो पहले हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया जा चुका है। लिहाजा ईसाइयों, यहूदियों, मुशरिकीन ने मक्का के पास इसकी अदम कबूलियत का कोई उजर ना था। अगर मैं इसको हालात हाजरा से रिलेट करूं तो हम इस दीन पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जैसे मैंने पहले पिछले दिनों में बात रखी थी कि हम भी बहरहाल हमारा भी एक तबका दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिस तरह से वही मोम की नाक बनाकर ढालना चाहता है उसके मुताबिक, तो ये सारे आज के दौर के इंसान के लिए भी ये एक मैसेज है कि दीन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से एक ही है और ये ता कयामत तक इसको ऐसे ही रहना है। अब ये इंसान की अपनी हठधर्मी है या कमजरफी है कि वो इससे इनकार करे, क्योंकि सच क्या है? सच इकबाल के अल्फाज में हमने स्लाइड पे लिखा कि तमाम जमीन अल्लाह की है, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खेंच कर पच्छम से बाद साजगार, खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खुश खोश आए गंदुम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है हुए इंकलाब। खुदाया दे खुदाया ये जमीन तेरी नहीं तेरी नहीं, दे खुदाया ये जमीन तेरी नहीं तेरी नहीं, तेरे आबा की नहीं तेरी नहीं मेरी नहीं, यानी जमीन सारी अल्लाह की है, दीन अल्लाह का भेजा हुआ है, फैसला अल्लाह का है, हम कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिस दौर में भी जिस वक्त में भी इंसान अपने आप को कुछ समझेगा और दीन के ऊपर उंगली उठाएगा तो ये उसकी अपनी गलती होगी, क्योंकि हकीकत तो पूरी कायनात से गूंज रही है। तर्जुमा अजीज साथियों, आयत 14 में अहले किताब के इख्तलाफ की वजह जिद और तकबुर बयान की गई है। लोगों में जो तफरका रोनुमा हुआ वो इसके बाद हुआ कि उनके पास इल्म आ चुका था और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अगर तेरा रब पहले ही ये ना फरमा चुका होता कि एक वक्ते मुकर्रा तक फैसला मुलतवी रखा जाएगा तो इनका कदिया चुका दिया गया होता। और हकीकत यह है कि अगलों के बाद जो लोग किताब के वारिस बनाए गए हैं वो इसकी तरफ बड़े इस्तराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। अजीज साथियों, ये तो जैसे मैंने आपको आपके सामने बात रखी कि आज 14 जिक्र करती है अहले किताब के इख्तलाफ की वजह, लेकिन आज किताब तो हमारे पास भी है ना, तो हमारे करने का फिर क्या काम है इस आयत से सबक सीखकर? मुझे लगता है कि इस आयत से सबक सीखकर हमारे करने का काम ये है कि हम इंतहाई आजजी के साथ और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर अपने रब से मांगे। क्या मांगे? कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब,
परवरदिगार जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना और हमें अपने खजाने फैसे रहमत अता फरमा कि तू ही फयाज हकीकी है। मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा दुआ की जरूरत है इस मामले में, इसलिए कि वो भी अजीज साथियों इंसान ही थे, उनकी भी दो आंखें थी, एक नाक थी, होंठ थे, दो कान होंगे, दो हाथ दो पैर, कुछ दूसरी मखलूक नहीं थे कि जिसकी वजह से कुछ दूसरा दूसरी तरह से बिहेव किया। हमारी ही तरह के इंसान थे लेकिन बिहेवियर का जो रास्ता था गलत ले लिया। अब इस वक्त हमारा इम्तिहान है कि हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव, हाउ वी आर एक्चुअली बिहेविंग। तो इसके लिए मुझे लगता है कि चूंकि हमें भी नजर आ रहा है, हमें हम जानते हैं अपने दिलों में बहसियत उम्मत कि हम पटरी से उतरे हुए हैं, हम पटरी पर नहीं है, तो इसलिए पटरी पर वापस दोबारा आने के लिए, सिराते मुस्तकीम की शराह पर दोबारा गामजन होने के लिए हमें जरूरत है अपने रब की मदद की। और इसमें एक एक फर्द को असल में दिल के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते रहना चाहिए, मसलन जिसमें से एक मैंने आपके सामने रखी। और साथ ये भी जाहिर है कि ये एक आजमाइश है हमारी, और इस आजमाइश को याद करने के लिए जितनी भी दुआएं मांगे वो कम है। मसलन एक और रब्बाना अलैका तवक्कलना वअलैका अनबना वअलैकल मसीर, हमारे रब तेरे ही ऊपर हमने भरोसा किया और तेरी तरफ हमने रुजू कर लिया और तेरे ही हुजूर पलटना है। मुझे ऐसे महसूस होता है कि दीन के ऊपर जमने के लिए, दीन के ऊपर कायम रहने के लिए, किताब को वाकई अपना इमाम और नूर जानने के लिए फिर हमें रब पर भरोसा करना है, फिर हमें रब की तरफ रुजू करना है और फिर हमें याद रखना है कि हमें वापस पलटना है। मैंने एक टेक्स्ट पढ़ा था कि साबरीन की मुसीबत पे बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देना काफी नहीं है, बल्कि ये अल्फाज इन दो अकायद की तरफ इशारा करते हैं जिन पर जमे बगैर कोई सब्र नहीं कर सकता। इन्ना लिल्लाह यानी बेशक हम अल्लाह के लिए अकीदा है, तौहीद है, और व इन्ना इलैहि राजिऊन बेशक हम इसी की तरफ लौटाए जाएंगे, अकीदा आखिरत पर इत्मीनान और ईमान है कि हर दुख और हर मुसीबत एक दिन खत्म हो जाएगी और अगर कुछ साथ रहेगा तो सिर्फ आपके सब्र का अजर। तो सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए अपने नफ्स और शैतान से लड़ने के लिए जो सब्र दरकार है वो भी रब से मांगने की जरूरत है। ऐसे तो नहीं मांगी थी ना दुआ हमारे बुजुर्गों ने, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्र वसब्बित अक़दामना वंसुरना लिल्क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र का फैजान कर और हमारे कदम जमा दे और इस काफिर ग्रोह पर हमें फतह नसीब फरमा। मुझे तो लगता है कि जितनी भी दुआएं मांगे इस मौके पर वो कम है। मुझे तो वो भी याद आ गई कि यह दिल करता है पढ़ने को सूरह कहफ की के आयत 10, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। हमें जरूरत है साथियों कि हम मांगे अपने रब से, हमारे रब हमें अपनी रहमत खास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। यानी इतना अहम पॉइंट है ये कि इतनी अहम जरूरत है हमारी, ये जितनी भी दुआएं मांगे और जितने भी इस मामले के लिए फिक्रमंद रहे कम है। बनी इसराइल इसी वजह से डूब गए, इसी वजह से तबाह हुए, इसी वजह से बर्बाद हुए, आज हमारी बारी है। तर्जुमा, अजीज साथियों आयत 15 का जो मौजू है, अकामत है दीन के मिशन पर डटे रहो। तर्जुमा, चूंकि ये हालत पैदा हो चुकी है इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम उसी दीन की तरफ दावत दो और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया उस पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ और इन लोगों की ख्वाहिशात का इत्बा ना करो और इनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की है मैं उस पर ईमान लाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूँ। अल्लाह ही हमारा रब्बी और तुम्हारा रब्बी, हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह एक रोज हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ सबको जाना है। अजीज साथियों, या जो हम एक चीज के ऊपर गौर करें कि झगड़े बहस मुबाहिसा करने वालों के लिए अल्लाह ने क्या जवाब सिखाया है। चूंकि अल्लाह ने, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात रखी, अब हमें किताब दी है ना, तो इसलिए अल्लाह ताला हर लिहाजा
हर लहजा हमारी तरबियत खुद फरमाता है। उसने हम पे नहीं छोड़ दिया, उसने हमें किताब अता की, उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक रोल मॉडल अता फरमाया, और फिर हर अल्लाह ताला हर लहजा हमारी तरबियत खुद फरमाता है। जैसे एग्जैक्टली जैसे मेहरबान माँ अपने बच्चे की तरबियत करती है ना, अगर गली मोहल्ले के बच्चों के साथ उसके बच्चे की कोई गड़बड़ हो जाए तो माँ तहजीब सिखाया करती है कि जो मर्जी हो तुम बुरा जवाब नहीं दोगे, गाली नहीं दोगे, फसाद नहीं करोगे। इसी तरह अल्लाह सिखाता है कि अल्लाह ही हमारा रब भी और तुम्हारा रब भी, हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह एक रोज हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ हम सबको जाना है, अकॉर्डिंग टू आय सूरह शूरा 15। तर्जुमा अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहे जाने के बाद जो लोग लब्बैक कहने वालों से अल्लाह के दीन के मामले में झगड़ा झगड़े करते हैं, उनकी हुज्जतबाजी उनके रब के नजदीक बातिल है और उन पर इसका गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। वो अल्लाह ही है जिसने हक के साथ ये किताब और मीजान नाजिल की है, वो अल्लाह ही है जिसने हक के साथ ये किताब और मीजान नाजिल की है, और तुम्हें क्या खबर शायद के फैसले की घड़ी करीबी आ लगी हो। जो लोग इसके आने पर ईमान नहीं रखते वो तो इसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो इस पर ईमान रखते हैं वो इससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली। खूब सुन लो जो लोग उस घड़ी के आने में शक खूब सुन लो जो लोग उस घड़ी के आने में शक डालने वाली बहसें करते हैं वो गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अजीज साथियों, यहाँ लतीफ का लफ्ज मेहरबान के लिए इस्तेमाल हुआ है और जिसका पूरा मफहूम मेहरबान से असल में अदा नहीं होता, यानी जो लफ्ज अरबी का अल्लाह का नाम है अल्लतीफ, उसका पूरा मफहूम मेहरबान से अदा नहीं होता। इस लफ्ज में दो मफहूम शामिल हैं, एक ये कि अल्लाह एक ये कि अल्लाह अपने बंदों पर बड़ी शफकत और इनायत रखता है, दूसरा ये कि वो बड़ी बारीक बीनी के साथ उनकी जरूरियात पर भी नजर रखता है, हर किस्म की जरूरियात पर भी नजर रखता है जिन तक किसी की निगाह नहीं पहुंच सकती, और उन्हें इस तरह पूरा करता है कि वो खुद भी महसूस नहीं करते कि हमारी कौन सी जरूरत कब किसने पूरी कर दी। सुभान अल्लाह। फिर यहाँ बंदों से मुराद महज अहले ईमान नहीं बल्कि तमाम बंदे हैं, यानी अल्लाह का ये लुत्फ इसके सब बंदों पर आम है। अजीज साथियों, मैं समझती हूँ कि यानी फिर अल्लाह की कदर कल हमने पढ़ा था ना टॉपिक, तो अल्लाह की कदर करना ये असल में एक बहुत नफा बख्श अमल है, क्योंकि अल्लाह बहुत मेहरबान है। उसकी मेहरबानी के उम्मीदवार बनने के लिए करने का काम क्या है, बस इतना ही है। समीना वातौना। तर्जुमा अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है जिसे वो कुछ जिसे जो कुछ चाहता है देता है, और वो बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। अजीज साथियों, चौंका देने वाली झंझोड़ने वाली आयत है अब, सॉरी आयत है अब, आयत 20, जिसका मौजू कुछ ऐसे बनता है, तलबगार किसके हो, दुनिया के या आखिरत के। और से सुनिएगा तर्जुमा, जो कोई आखिरत की खेती चाहता है उसकी खेती को हम बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है उसे दुनिया ही में से दे देते हैं, मगर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। अजीज साथियों, हम यही समझते हैं ना कि अल्लाह से जो मांगे वही देता है, ऐसा ही है। जिस चीज की चाहत में इंसान डूबा हुआ होता है, इसके लिए उठते बैठते मेहनत फिकर तदबीर तमन्ना चाहत दुआएं करते हैं, अल्लाह भी वो ही उसको देता है। कभी हमने गौर किया है कि हमारी दुआओं में किस चीज का ज्यादा जिक्र होता है? Isn't it interesting to rethink about it? कि एक दफा फिर सोच लें कि मेरी दुआओं में मैं क्या मांगती हूँ। अगर हम एक कॉपी और पेंसिल पकड़ के एक लिस्ट बनाना शुरू करें कि मैंने मसलन पिछले एक हफ्ते के अंदर अपने अल्लाह से क्या क्या मांगा,
मना नहीं है, सब कुछ मांगना है, अल्लाह ही से मांगना है। जाहिर अल्लाह कहता है जूती का तस्मा भी टूट जाए तो मुझसे ही मांगो। अभी मैंने कल ही ये बात रखी थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जस्ट यू नो अपने तस्किए के लिए एक दफा कॉपी पर हम लिख के देखें कि मेरी दुआओं में किस चीज का कितना हिस्सा है, तो मुझे लगता है कि ये भी हमारी एक ट्रेनिंग होगी। क्योंकि आयत शूरा 20 कहती है कि जो कोई आखिरत की खेती चाहता है इसकी खेती को हम बढ़ाते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है दुनिया ही में इसे दे देते हैं, मगर आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। तर्जमा क्या ये लोग कुछ ऐसे शरीक के खुदा रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की नौइयत रखने वाला एक ऐसा तरीका मुकरर कर दिया है जिसका अल्लाह ने इज्जत नहीं दिया। अगर फैसले की बात पहले तय ना हो गई होती तो इनका कदिया चुका दिया गया होता। यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। तुम देखोगे कि ये जालिम उस वक्त अपने किए के अंजाम से डर रहे होंगे और वो इन पर आ कर रहेगा। बाखिलाफ इसके जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं वो जन्नत के गुलिस्तानों में होंगे। जो कुछ भी वो चाहेंगे अपने रब के यहाँ पाएंगे, यही बड़ा फजल है। ये है वो चीज जिसकी खुशखबरी अल्लाह अपने उन बंदों को देता है जिन्होंने मान लिया और नेक अमल किए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, अलबत्ता कराबत की मोहब्बत जरूर चाहता हूँ। जो कोई भलाई कमाएगा हम इसके लिए इस भलाई में खूबी का इजाफा करेंगे कर देंगे। बेशक अल्लाह बड़ा दरगुजर करने वाला और कदरदान है। क्या ये लोग कहते हैं कि शख्स ने अल्लाह पर झूठा बोहतान गढ़ लिया? अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारे दिल पर मोहर कर दे, वो बातिल को मिटा देता और हक को अपने फरमानों से हक कर दिखाता है। वो सीनों के छुपे हुए राज जानता है। वही है जो अपने बंदों से तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता है, हालांकि तुम लोगों के सब अफाल का उसे इल्म है। वो ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों की दुआ कबूल करता है और अपने फजल से इनको इतना और अपने फजल से इनको और ज्यादा देता है। रहे इनकार करने वाले तो इनके लिए दर्दनाक सजा है। अजीज साथियों, ये जो पीछे I-24 गुजरी थी कि क्या कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, जिसका बेसिक टॉपिक बनता था, मैं इस हवाले से आज एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फो आपके साथ शेयर करूंगी सूरत मुकम्मल होने पर। तर्जुमा, अगर अल्लाह अपने सब बंदों को खुला रिस्क दे देता तो वो जमीन में सरकशी का तूफान बरपा कर देते, मगर वो एक हिसाब से जितना चाहता है नाजिल करता है। यकीनन वो अपने बंदों से बाखबर है और उन पर निगाह रखता है। वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद नींद बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, और वही काबिले तारीफ वली है। उसकी निशानियों में से है ये जमीन और आसमानों की पैदाइश और ये जानदार मखलूकात जो उसने दोनों जगह फैला रखी हैं। वो जब चाहे इन्हें इकट्ठा कर सकता है। अजीज साथियों, अब आयत 30 और टिल 31 एक अहम मौजू लिए हुए है। आफात इंसानों के गुनाहों की वजह से आती है, ये सवाल है, तो इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तर्जुमा, तुम पर जो भी मुसीबत आई तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से आई है, और बहुत से कसूरों से वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है और बहुत से कसूरों से वो वैसे ही दरगुजर कर जाता है। अजीज साथियों, इंसान पर जो तकालीफ आती है इसका राज क्या है? काफिर पे, मुनाफिक पे, मोमिन पे। कुरान इस पर जा बजा रोशनी डालता है, अहदीस भी से वाजे करती हैं। दुनिया की जिंदगी बाहर तौर इम्तिहान है, टेस्ट है, एग्जाम है, और अल्लाह ने हमें मुशक्कत में पैदा की है। इट्स एन ऑन गोइंग स्ट्रगल। काफिर और मुनाफिक के लिए तकालीफ और मसाइब इसे झंझोड़ने, तंबीह करने के लिए होती हैं, ठीक है। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत रखता है और इन्हें जहन्नुम से बचाना चाहता है। तो जैसे सोए हुए को पहले प्यार से, मोहब्बत से जगाया जाता है, फिर ऊंची आवाज से, फिर डांट डपट से, और इम्तिहान का वक्त निकला जा रहा हो तो फिर इवन लातों मुक्कों से भी काम लिया जा सकता है। इस सब के पीछे
मोहब्बत ही होती है कि कहीं ये नाकाम ना हो जाए, फेल ना हो जाए। फिर ये कि ये मामला अफराद के साथ भी और कौमों के साथ भी है, जैसे कुफारे मक्का को कहत में मुबतिला करके झंझोड़ा गया कि सूरह शूरा आयत 30, सोचो तुम अल्लाह के रसूल और इसकी दावत के मुकाबिल क्या रवैया अख्तियार कर रहे हो और अल्लाह के मुकाबिल तुम कितने बेबस हो। सो सख्तियों से मुनाफिक का भी निफाक झाड़ा जाता है ताकि वो सच्चे इम्तिहान की तरफ पलट आए। मुखलिस मोमिन के साथ मामला ये है कि मसाइब और तकालीफ और आजमाइशें का इम्तिहान भी है, जिंदगी के पर्चे के मुश्किल सवाल और उसकी खताओं गुनाहों का कफारा भी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मुसलमान को जो भी रंज दुख और फिक्र गम तकलीफ परेशानी पेश आती है, हत्ता कि कांटा भी अगर इसको चुभता है तो अल्लाह इसको इसकी किसी ना किसी खता का कफारा बना देता है। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। और वो मसाइब जो वो अल्लाह की राह में बर्दाश्त करता है मुसलमान इसकी दीन की सरबुलंदी के लिए, वो इसकी तरक्की दर्जात का सबब बनते हैं। इसीलिए आगे फिर तस्वुर जिंदगी को फिर ताजा किया कि दुनिया चंद रोजा सरो सामान्य जिंदगी है, आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली पायदार, अकॉर्डिंग टू सूरह शूरा 36। इसकी तैयारी और फिक्र होनी चाहिए। तर्जुमा, तुम जमीन में अपने खुदा को आजिज कर देने वाले नहीं हो और अल्लाह के मुकाबले में तुम कोई हामी और नासिर नहीं रखते। उसकी निशानियों में से हैं ये जहाज जो समुंदर में पहाड़ों की तरह नजर आते हैं, अल्लाह जब चाहे हवा को साकिन कर दे और ये समुंदर की पीठ पर खड़े के खड़े रह जाएं। इसमें बड़ी निशानियां हैं उस शख्स के लिए जो कमाल दर्जा सब्र शुक्र करने वाला हो या उन पर सवार होने वालों के बहुत से गुनाहों से दरगुजर करते हुए इनकी चंद ही करतूतों की पैदाश में इन्हें डुबो दे और उस वक्त हमारी आयात में झगड़े करने वालों को पता चल जाए कि इनके लिए कोई जाय पनाह नहीं। अच्छा अजीज साथियों, अब कुर्ब इलाही पाने के लिए अहम औसाफ का नक्शा बयान हुआ है अगली आयात में। यहां से अल्लाह ताला अपने द मोस्ट फेवरेट वन, जो पसंदीदा, जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, पसंदीदा इंसानों का सजना सवरना यानी जगमग करता हुआ किरदार बता रहे। आइए चेक करते जाते हैं कि क्या ये जगमगाते किरदार के औसाफ मेरे और आपके पास हैं। ये वही ऐसे ही समझे कि ये जगमगाते किरदार के औसाफ वो डायमंड सेट है और हमें चेक करना है कि ये इस डायमंड सेट के तमाम नगीने हमारे पास हैं या इसमें से कुछ है या है ही नहीं। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर इसमें से कुछ कमी है या बहुत कमी है तो इसी रमजान से कोशिश इरादा बांधते हैं और कोशिश शुरू कर देते हैं कि ये बेशबहा डायमंड सेट औसाफ का मैं भी हासिल करूं, आप भी हासिल करें। आइए गौर से सुने जगमगाते किरदार के औसाफ जो कुर्ब इलाही पाने के लिए लाजिम है। तर्जुमा, जो कुछ भी तुम लोगों को दिया गया है वो महज दुनिया की चंद रोजा जिंदगी का सरो सामान है और जो कुछ अल्लाह के हाँ और जो कुछ अल्लाह के हाँ है वो बेहतर भी है और पायदार भी। वो उन लोगों के लिए है जो ईमान लाए हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, जो बड़े बड़े गुनाहों और बेहयाई के कामों से परहेज करते हैं और अगर गुस्सा आ जाए तो दरगुजर कर जाते हैं, जो अपने रब का हुक्म मानते हैं, नमाज कायम करते हैं, अपने मामलात आपस के मशवरे से चलाते हैं, हमने जो कुछ भी रिस्क इन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं और जब इन पर ज्यादती की जाती है तो इसका मुकाबला करते हैं। अजीज साथियों, ये वो सेट है औसाफ का, उस जगमगाते किरदार का जिसके बारे में 100% गारंटी है कि ये अपने रब का प्यारा है और इसके पास
अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बेलाई है। अजीज साथियों, अब आयात 40 टिल 43 जो मौजू लिए हुए हैं वो कुछ यूं है कि बुराई का बदला लेने वालों पर कोई इल्जाम नहीं। तर्जुमा, बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। अजीज साथियों, बात यह जब हमारी थीम है कुर्ब इलाही, तो आप गौर करें, आपको हर आयत के अंदर से या हर दूसरी तीसरी आयत के बाद आपको खुद ब खुद अब तो समझ आने लग पड़ी होगी कि आयत खुद बोल के बता रही होती है कि मेरी तरफ लपको, मैं बताती हूँ तुम कैसे अपने रब का कुर्ब पा सकते हो। मसलन इस आयत से हमने क्या सीखा? इससे ये सीखा कि यानी जो माफ कर दे और इसलाह करे उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। यानी ये फिर आपका पॉइंट निकल आया कुर्ब इलाही का, और मैं समझती हूँ कि ये सौदा फिर महंगा नहीं है, बजाय इसके कि बुराई का बदला बुराई से लें। इजाजत उसकी भी दी गई है, बुराई का बदला वैसी ही बुराई है, लेकिन जाहिर है हम स्टैंडर्ड अपना जब अपना लेवल हाई करने की कोशिश करेंगे, जब हमें ख्वाहिश होगी जन्नत के आला दर्जात पाने की, अपने रब का कुर्ब पाने की, तो हम स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, लेवल अपना जो है उसको हाई करने की कोशिश करेंगे। तो फिर उसमें करने का काम यह है कि फिर जो कोई माफ कर दे और इस्लाह करे तो फिर अजर यह है कि उसका अजर अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और जो लोग जुल्म होने के बाद बदला ले उनको उनको मलामत नहीं की जा सकती है। मलामत के मुस्तहिक तो वो हैं जो दूसरों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। यानी ये जो दूसरा अपोजिट रवैया, इसका मतलब क्या हुआ अजीज साथियों? यानी ये रवैया बंदे को अल्लाह से दूर, बहुत दूर, बेहद दूर ले जाता है। अलबत्ता तर्जुमा, अलबत्ता जो शख्स सब्र से काम ले और दरगुजर करे तो ये बड़ी उलुल अजमी के कामों में से है। ये हमें फिर दोबारा अल्लाह ताला ने एक और टिप दे दी, फिर बता दिया सब्र की अहमियत और दरगुजर की अहमियत, और साथ ये भी बताया कि ये बड़ी उलुल अजमी के कामों में से है। मुझे लगता है कि ये सब्र और ये दरगुजर इसको अपने अंदर पैदा करने के लिए इंसान एक टिप के तौर पर, मेरे जहन में अपने हवाले से ये बात आती है कि जाहिर है कि हमें अगर इंसानों के हवाले से सब्र और दरगुजर करना है तो हमें कोई उनकी तरफ से ज्यादती महसूस होती है ना, कोई गड़बड़ महसूस होती है। तो मुझे लगता है कि इसका एक हल ये भी है कि इंसान अपनी ज्यादतियों और अपनी गड़बड़ों पर भी नजर रखे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब इंसान अपनी गलती को बड़ा समझता है तो वो अल्लाह की नजर में छोटी हो जाती है, और जब इंसान अपनी गलती को मामूली समझता है तो वो अल्लाह की नजर में बड़ी हो जाती है। ये इमाम हसन बसरी का कोट है। मुझे लगता है कि जब हम अपने ऊपर उंगली रखेंगे तो फिर मुमकिन है कि हमारे लिए ये चीज फायदा मंद हो जाए कि हम दूसरों के लिए फिर ज्यादा सब्र करने वाले और दरगुजर करने वाले हो जाएं, जो कि वाकई में बड़ी उल अजमी का काम है। तर्जुमा अजीज साथियों, आयात 44 था 46 में जो टॉपिक है रोजे कयामत जुल्म करने वालों का अंजाम बयान हुआ है। तर्जुमा, जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे उसको उसका कोई संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है। जिसको अल्लाह ही गुमराही में फेंक दे उसको उसका कोई संभालने वाला अल्लाह के बाद नहीं है। तुम देखोगे कि ये जालिम जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे अब पलटने की भी कोई सबील है, और तुम देखोगे कि जहन्नुम के सामने जब लाए जाएंगे तो जिल्लत के मारे झुके जा रहे होंगे और उसकी नजरें बचा बचा कर कनखियों से देखेंगे, और उसको नजर बचा बचा कर कनखियों से देखेंगे। उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए थे कहेंगे कि वाकई असल ज़ियाकार वही हैं जिन्होंने आज क़यामत के दिन अपने आप को और अपने मुतल्लिकीन को खसारे में डाल दिया। खबरदार रहो जालिम लोग मुस्तकिल अजाब में होंगे और इनके कोई हामी और सरपरस्त ना होंगे। जो अल्लाह के मुकाबले में इनकी मदद को आए जिसे अल्लाह गुमराही में फेंक दे, इसके लिए बचाव की कोई सबील नहीं। मान लो
अपने रब की बात कबल इसके कि वो दिन आए जिसके टलने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है। उस दिन तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह ना होगी और ना कोई तुम्हारे हाल को बदलने की कोशिश करने वाला होगा। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको इन पर निगहबान बनाकर तो नहीं भेजा, तुम पर तो सिर्फ बात पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। इंसान का हाल ये है कि जब हम इसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो उस पर फूल जाता है, और अगर इसके अपने हाथों का किया धरा किसी मुसीबत की शक्ल में उस पर उलट पड़ता है तो सख्त नाशुकरा बन जाता है। अजीज साथियों, मैं यहाँ रुकूंगी और यहाँ मैं मोमिन का रवैया आपके सामने आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इंसान का हाल तो बहरहाल बयान हो गया ना इस आयत में। अब जो अपनी हालत को बेहतर बनाना चाहता है तो उसके उसके हवाले से क्या डायरेक्शन मिलती है हमें हदीस से। किताब, मैंने ये हदीस ली, बल्कि मैं ये भी बता दूं, किताब नफ्स का तज़किया बिन्तुल इस्लाम साहिबा मुसन्निफा, मैंने यहाँ से ये हदीस पढ़ी कि हजरत अबू हुरैरा रदिल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल ऐसे है जैसे खेत में उगा हुआ नया पौधा कि हवा इसे जिस तरफ झुकाती है इसके पत्ते इसी तरफ झुक जाते हैं, और जब हवा ठहर जाती है तो पौधा फिर सीधा खड़ा हो जाता है। और काफिर की मिसाल ऐसी है जैसे शमशाद का सख्त सीधा दरख्त कि जब खुदा चाहता है इसे जड़ से उखाड़ देता है। ये बुखारी की रिवायत है। आगे मुसनफा लिखती है कि लुगातुल हदीस जिल चहरम सफा 122 में इस हदीस के मफहूम की इस तरह वजाहत की गई है, मोमिन की मिसाल इस पौधे की सी है जो ताजा हरा भरा खेती से निकला हो, जिधर से हवा आई उधर से मुड़ गया, हवा इसको दाएं बाएं हर तरफ झुकाती रहती है लेकिन वो फिर सीधा हो जाता है। इसी तरह मोमिन पर हजारों मुसीबतें आती हैं लेकिन वो सब्र करके फिर मजबूत और दुरुस्त हो जाता है, बरखिलाफ काफिर और मुनाफिक के कि वो दुनिया में बड़े आराम से रहता है लेकिन जब मुसीबत आती है तो ईमान ना होने के बायस इस पर सब्र नहीं करता और जान खो बैठता है। ये अजीज साथियों, मुझे एक कीमती हदीस महसूस हुई जो मैंने सोचा था कि मैं इस मौके पे आपके साथ शेयर करूं। एक और शेयरिंग है, ये इंग्लिश में है, इब्ने तैमियाज जेम्स। गौर से सुनिएगा, मुमकिन है किससे भी हमें फायदा हो। द एंजल्स वर क्रिएटेड विद विद इंटेलेक्ट, द एंजल्स वर क्रिएटेड विद इंटेलेक्ट बट नो डिजायर्स, द एनिमल्स वर क्रिएटेड विद डिजायर्स बट नो इंटेलेक्ट, एंड द ह्यूमन बींग वॉज क्रिएटेड विद बोथ इंटेलेक्ट एंड डिजायर्स। फॉर दिस रीजन हुएवर्स इंटेलेक्ट कॉन्कर्स हिज डिजायर्स इज बेटर देन एंजल्स, इज बेटर देन एंजल्स, एंड हुएवर्स डिजायर्स कॉन्कर हिज इंटेलेक्ट देन द एनिमल्स आर बेटर देन हिम। ये किताब मजमुआ फतावा से कोट है। आगे बढ़ते हैं अजीज साथियों, तर्जुमा अजीज साथियों, बायात 49-50 का जो मजमून समझ आता है वो ये कि कोई माने या ना माने, बादशाहत अल्लाह ही के लिए। तर्जुमा, अल्लाह जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है भांज कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज पर कादिर है। अजी साथियों, आयत 51 का जो टॉपिक है, अल्लाह इंसान से कैसे खिताब फरमाता है। तर्जुमा, किसी बशर का ये मकाम नहीं है कि अल्लाह उससे रू बरू बात करे। उसकी बात या तो वही इशारे के तौर पर होती है या पर्दे के पीछे से, या फिर वो कोई पैगाम बर फरिश्ता भेजता है और वो उसके हुक्म से जो कुछ वो चाहता है वही करता है, वो बरतर और हकीम है। और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपने हुक्म से एक रूह तुम्हारी तरफ वही की है, तुम्हें कुछ पता ना था कि किताब क्या होती है और ईमान क्या होता है, मगर उस रूह को हमने एक रोशनी बना दिया जिससे हम राह दिखाते हैं अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं। यकीनन तुम सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहे हो उस खुदा के रास्ते की तरफ जो जमीन और आसमानों की हर चीज का मालिक है। खबरदार रहो,
सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं। अजीज साथियों, इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह शूरा मुकम्मल हुई। मैंने आपको कहा था कि सूरत मुकम्मल होने पर मैं आपके साथ कुरान के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग इन्फो शेयर करूंगी। किताब है बशीर साजिद की। वैसे तो ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से थी, लेकिन आखिर में कुरान के हवाले से भी उन्होंने कुछ लिखा है। मैं जो चीजें आपके साथ शेयर करूंगी वो ये है कि गैर कुरान के मतन की सेहत और इसके गैर मोहर और इसके गैर मुहर्रिफ होने के बारे में गैर मुस्लिम मगरबी मुस्तशरकीन ने भी गवाही दी है। गुज़श्ता सदी का मशहूर मुतसब मुसन्निफ सर विलियम म्यूर, जो मुतहदा हिंदुस्तान के सूबा यूपी मौजूदा उत्तर प्रदेश का गवर्नर भी रहा, लिखता है, कोई जुज, कोई फिकरा, कोई लफ्ज कुरान में ऐसा नहीं सुना गया जिसे जमा करने वालों ने छोड़ दिया हो, और कोई लफ्ज ऐसा नहीं सुना गया जो इस मजमुए में शामिल कर दिया गया हो। जहां तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है, दुनिया भर में एक भी ऐसी किताब नहीं जो कुरान की तरह 12, अब तो खैर 14 सदियां सदियों तक हर किस्म की तहरीफ से पाक रही हो। अगर ऐसी कोई बात होती तो इन हदीस में, जिनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बातें भी महफूज रखी गई हैं, इनका पता चल जाता। मौजूदा सदी का मशहूर अंग्रेज मुस्तशरिक एच ए आर्गब अपनी तसनीफ मोहम्मदनिज्म के बाब कुरान में रकम ताराज है। ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि कुरान के मवाद और मानी में कोई तब्दीलियां नहीं की गई, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताबात सूरतों की असल हैयत और माफिया को बड़ी एहतियात और सेहत के साथ महफूज रखा गया है। ताजा तरीन शहादत जमाने हाल के मशहूर माहिर तिब साइंसदान और मुहक्किक डॉक्टर मारिस बुकाई की है, जिसकी मार्का आरा तसनीफ बाइबल कुरान और साइंस आलमी शोहरत हासिल कर चुकी है। अजीज साथियों, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फो है, गौर से सुने। वो लिखते हैं, अगर बाद में कुरानी मतन में कोई तहरीफ या तरमीम की जाती तो ये बात बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होती है कि ये मुबहम आयात यानी आयात मुतशाबिहात खासकर साइंसी मौजूआत से मुतालिक इंसानी दस्त बर्द से महफूज रह सकती। मतन में हल्की सी तरमीम भी इन आयात में पाए जाने वाले बाहमी रब्त ज़ब्त को खुद ब खुद तबाह कर देती, और हम इस काबिल ना रहते कि जदीद इल्म इन और इन आयात के दरमियान मुताबिकत को साबित कर सकते। इन आपस में मरबूत आयात और बयानात की कुरानी मतन में मौजूदगी एक गैर जानिबदार मुबसर को कुरान के मुस्तनिद और तरमीम और तहरीफ से पाक आसमानी सहीफा होने का कायल कर देती है। कुरान आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है अजीज साथियों, कुरान की सेहत सदाकत और अजमत के ये खुले एतराफात मुसलमानों की दिलदारी या किसी सियासी मसलियत पर मबनी नहीं, इनके मुसन्निफों के सामने ऐसी कोई मसलियत नहीं थी। अब जो एक साइंटिफिक सी मैं आपके सामने इन्फो रखूंगी, वो मुख्तलिफ मौजूआत की आयात में अददी तवाजुन पाया जाती है, यानी डिजिट्स का तवाजुन पाया जाता है। मसलन आयत वादा, गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। पॉइंट वन, आयते वादा 1000, आयाते वादा 1000, तो फिर आयाते वईद 1000 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आयाते नहीं 1000, तो आयाते अमर 1000 है। फिर आयाते इंसाल 1000, तो आयाते कसस 1000 है। फिर आयाते तहलील 250, तो आयाते तहरीम 250। फिर आयाते तस्बी 100, तो फिर आयाते मुतफरिका 66। सोचने की बात है कि अगर कुरानी आयतों और सूरतों में कोई कमी बेशी की गई होती तो क्या ये तवाजुन और तस्वी कायम रह सकता था। नीज अगर कोई इंसान इस किताब कुरान इब्तदाई से अपने आप को किताब कहकर मुतारिफ कराता है, मसलन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो का मुसन्निफ तो क्या यहां से पढ़ती हूँ कि नीज अगर कोई इंसान इस किताब का मुसन्निफ होता तो क्या 23 साल नजूल के दौरान में वो ये तरतीब तवाजुन और अददी निजाम बरकरार रख सकता था। जाहिर है कि इब्तदाई वक्त नजूली जाहिर है कि इब्तदाई वक्त नजूली से इसकी किताबत तरतीब तदवीन का हुक्म इलाही से शुरू कर दी गई थी,
और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ूले वही के फौरन बाद लिखवा देते थे और सूरत और आयत की तरतीब और मकाम भी बता देते थे। हयात अकदस के आखिरी रमजान में जिब्राइल अमीन ने आपके आपको खिलाफ मामूल दो दफा कुरान मजीद का दौर कराया और वो तरतीब के साथ था ना कि अललटा। फिर आखिर में वैसे तो अजीज साथियों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसमें है, मैं सब पढ़ नहीं सकती लेकिन मैं जल्दी कोशिश करती हूँ कि कुछ मिसालें आपके सामने और रख दूं। लफ्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूल कुद्स और शरीयत चार चार मरतबा आए हैं। कुरान और मलाइका 68 मरतबा, आखिरत और दुनिया 115 तक मरतबा, रहमत और हुदा 79 मरतबा। अब जैसे ये लिखा है मैं उसको ऐसे ही पढ़ना है। जकात और बरकात 32 मरतबा, मलाइका और शैतान 88 मरतबा, सालिहात और सैयात 167 मरतबा, जबर और कहर 10-10 मरतबा, शिद्दत और सबर 102 मरतबा, हर और बर्द चार चार मरतबा, नफा और फसाद 50-50 मरतबा, जहीम यानी जहन्नुम और इकाब सजा यानी 26 मरतबा, तीन मट्टी और नुतफा 12-12 मरतबा। इंसान की पैदाइश पहले तीन यानी मट्टी और फिर नुतफे से हुई थी ना। अच्छा, उसके बाद फेल और अजर 108 मरतबा और रहीम 114 मरतबा और रहमान 57 मरतबा। उसके बाद बल्कि इन्होंने रहीम और रहमान के नीचे ये भी लिखा अहम बात के खुदा के अलावा बंदों के लिए भी मुस्तामिल, खुदा के लिए मखसूस रहीम से निस्फ। अच्छा, उसके बाद जजा जो है वो 1171 मरतबा और मगफिरत जो है वो 234 मरतबा। सॉरी मैं इसको थोड़ा गलत पढ़ गई हूँ। जजा जो है वो 117 मरतबा और मगफिरत 234 मरतबा, फुजार 3 मरतबा और अबरार 6 मरतबा, फुजार से दुगनी बार, नीचे इन्होंने लिखा कि मगफिरत जजा से दुगनी इसलिए कि जजा के मुकाबले में ज्यादा आम है। अच्छा, उसके बाद कुरान हकीम 7 आसमानों का जिक्र करता है, ये भी 7 ही सूरतों में 7 बार आया। अल्लाह ताला ने लफ्ज कुल का इस्तेमाल 332 मरतबा की है। अल्लाह की मखलूक जिन बशर और मलाइका ने भी लफ्ज कौल 332 मरतबा ही इस्तेमाल किए। अल्लाह के नजदीक महीनों का शुमार 12 है। कुरान में लफ्ज शहर मदीना 12 मरतबा आया है। क्या ये नज्मो तवाजुन महज इत्तफाकी हो सकता है? अजीज साथियों, ये एक कुछ इंटरेस्टिंग इन्फो थी जो मैंने चाहा था कि इस मौके पर मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि हम मुसलसल पीछे से कुरान में पढ़ते आए हैं कि जो इसकी मुखालफत करते हैं वो इस पर शक का इजहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है कुरान की सदाकत दुनिया को माननी ही पड़ती है। तर्जुमा, अच्छा अब हमें सूरह ज़ुख़रुफ़ शुरू करनी है अजीज साथियों, और इसके लिए मैं आपके सामने सबसे पहले इसका तारुफ रखती हूँ। सूरह ज़ुख़रुफ़ जो है अजीज साथियों, ये इसका मरकजी मजमून है आसमान के इलाह को जमीन का बादशाह भी तस्लीम करो, तौहीद खालकियत और तौहीद रबूबियत काफी नहीं, तो तौहीद उलूहियत और इबादत और तौहीद हाकमियत को भी तस्लीम कर लो। अजीज साथियों, ये मक्की सूरा है, इसकी 89 आयात हैं और टॉपिक समझने के हवाले से इसके
नौ पैराग्राफ बनते हैं। मेरी स्क्रीन पर नजर पड़ी है, साथी ने पूछा ये कौन सी किताब है जो मैंने बताई थी। ये बशीर सादिक साहब की किताब है, हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु। जी अजीज साथियों, अब जो समाने नजूल और पस मंजर है, सूरह जुखरुफ जो है ये कयामे मक्का के आखिरी दौर में 11-13 नबी सूरह जुखरुफ जो है ये कयामे मक्का के आखिरी दौर में 11-13 नबी सूरह दुखान और सूरह जासिया के नजूल के गालिबन 5-6 साल बाद सूरह शूरा के साथ नाजिल हुई। ये वही जमाना था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरैश के सरदार जादू वगैरह के इल्जाम लगा रहे थे और मुतहदा तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशें कर रहे थे। और नजूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किल तरीन हालात में तसल्ली दी गई है। आयत 89 में चंद सालों में कुरैश शिकस्त से दो चार होकर रहेंगे। और सूरह जुखरुफ का जो किताबी रब्त है, पॉइंट वन, पिछली सूरह शूरा में अल्लाह की शरीयत और इंसानों की खुद साख्ता शरीयत का तकाबुल बयान किया गया है। यहाँ इस सूरह में तकवीनी हाकमियत के साथ तशरी हाकमियत को भी अल्लाह के लिए साबित किया गया है। अल्लाह ताला आसमान में भी इलाह है और जमीन में भी इलाह है। अगली सूरह दुखान में फिरौनी रवैयों का जिक्र है, यानी गरूर तकबुर का, जिसके सबब इंसान अपने आप को खुदा समझकर अल्लाह की हाकमियत के बजाय अपने नफ्स की हाकमियत कबूल कर लेता है। अजीज साथियों, ये तारुफ था सूरा का, और अब मैं इसका तर्जुमा शुरू करती हूँ। इन्फो ये है कि आयात 1-4 कुरान अरबी की अहमियत का टॉपिक लिए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम। कसम इस वाज़े किताब की कि हमने इसे अरबी जबान का कुरान बनाया है ताकि तुम लोग इसे समझो, और दर हकीकत ये उम्मुल किताब और दर हकीकत ये उम्मुल किताब में सब्त है। हमने इसे अरबी जबान का कुरान बनाया ताकि तुम लोग इसे समझो, दर हकीकत ये उम्मिल किताब में सब्त है, हमारे यहाँ बड़ी बुलंद मर्तबा और हिकमत से लबरेज किताब। अब क्या हम तुमसे बेजार होकर ये दरस नसीहत तुम्हारे यहाँ भेजना छोड़ दें सिर्फ इसलिए कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो? पहली गुजरी हुई कौमों में भी बारहा हमने नबी भेजे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई नबी उनके यहाँ आया और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। फिर जो लोग इनसे बदरजा ज्यादा ताकतवर थे उन्हें हमने हलाक कर दिया। पिछली कौमों की मिसालें गुजर चुकी हैं। अजीज साथियों, आयात 9-14 में अल्लाह ताला के एहसानात का जिक्र है। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया तो ये खुद कहेंगे कि इन्हें उसी जबरदस्त अलीम हस्ती ने पैदा किया है, वो ही ना जिसने तुम्हारे लिए जमीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बना दिए ताकि तुम अपनी मंजिल मकसूद की राह पा सको। अजीज साथियों, यहाँ ये जमीन को गहवारा कहा गया है, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं। अल्लाह अल अजीज है, अल अलीम है, यानी जबरदस्त और सारे उलूम का मालिक, हम सब जानते हैं। अब आयत 10 में कहा गया कि जमीन को अल्लाह ने हमारे लिए गहवारा बना दिया। बात यह कि रब ने जमीन को हमारे लिए इतना ही आरामदेह बना दिया जितना बच्चे के लिए पंगूड़ा। सोचिए, चांदी की तरह मौलिक कुरा 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से अपने मेहवर पर घूम रहा है और कई हजारों मील फी घंटा के एतबार से सूरज की गिर्द रवानदवा है। इन दो गर्दिशों के बावजूद हम इस पर पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं जमीन पर, बावजूद इसके के इसके पेट में आतिश फिशानी लावे की आग भी भरी हुई है। और अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल रखूं तो चलती गाड़ी में जिस तरह चाय पीना मुश्किल होता है, ट्रेन से उतर के तवील सफर के बाद 2 दिन तक सर चकराता रहता है, झटके पड़ते रहते हैं,
लेकिन ये जमीन अल्लाह का मोजा है जिसकी गर्दिश हमें चकरा नहीं देती। जमीन के किसी किनारे से उलट कर कोई खला में नहीं जा पड़ता कि ओहो वो तो गिर के उधर जा पड़ा। जरा तस्वुर में इस पूरी बात को लाएं कि अल्लाह की खलाकी के आगे खुद बा खुद हजारों सजदे जबीने नियाज से टपकने को बेकरार हो जाएंगे ना। इंसान को सिर्फ कायनात के ऊपर गौर करने की जरूरत है, वो अल्लाह तक जा पहुंचता है। तर्जुमा, जिसने एक खास मिकदार में आसमान से पानी उतारा और इसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिल्ला उठाया। इस तरह एक रोज तुम जमीन से बरामद किए जाओगे। वही जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों का सवारी बनाया ताकि तुम उनकी पुश्त पर चढ़ो, और जब उन पर बैठो तो अपने रब का एहसान याद करो और कहो कि ये दुआ है जी साथियों, पाक है वो जिसने हमारे लिए इन चीजों को मुसख़िर कर दिया, वरना हम इन्हें काबू में लाने की ताकत ना रखते थे और एक रोज हमें अपने रब की तरफ पलटना था। ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी लोगों ने उसके बंदों में से बास को इसका जुज बना डाला। हकीकत यह कि इंसान खुला एहसान फरामोश है। क्या अल्लाह ने अपने मखलूक में से अपने लिए बेटियां इंतखाब की हैं और तुम्हें बेटों से नवाजा, और हाल ये है कि जिस औलाद को ये लोग उस खुदाए रहमान की तरफ मंसूब करते हैं, उसकी विलादत का मुजदा जब खुद इनमें से किसी को दिया जाता है तो उसके मुंह पर स्याही छा जाती है और वो गम से भर जाता है। क्या अल्लाह के हिस्से में वो औलाद आई जो जेवरों में पाली जाती है और बहस और हुज्जत में अपना मुद्दा पूरी तरह वाजे भी नहीं कर सकती। उन्होंने फरिश्तों को जो खुदाए रहमान के खास बंदे हैं औरतें करार दे लिया। क्या उनके जिस्म की साख्त उन्होंने देखी है? इनकी गवाही लिख ली जाएगी और इन्हें इसकी जवाबदेही करनी होगी। ये कहते हैं अगर खुदाए रहमान चाहता कि हम उनकी इबादत ना करें तो हम कभी उनको ना पूछते। ये इस मामले की हकीकत को कतई नहीं जानते, महज तीर तुक्के लड़ाते हैं। क्या हमने इससे पहले कोई किताब इनको दी थी जिसकी सनद अपनी इस मलाइका परस्ती के लिए अपने पास रखते हो? नहीं, बल्कि ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई नजीर भेजा, उसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया और हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं। हर नबी ने इनसे पूछा, क्या तुम उसी डगर पर चले जाओगे? ख्वाह मैं उस रास्ते से ज्यादा सही रास्ता तुम्हें बताऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया। उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो, हम उसके काफिर हैं। आखिरकार हमने उनकी खबर ले डाली और देख लो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। अजीज साथियों, ये वही है ना सबक के तौर पर कि जमाना एक, हयात एक, कायनात भी एक। जमाना एक, हयात एक, कायनात भी एक, दलीले कम नजरी किस्सा जदीदो कदीम। अजीज साथियों, अब आयात 26 ता 28 टॉपिक दीन इब्राहिम तौहीद खालिस था। दीन इब्राहिम तौहीद खालिस था तौहीद खालिस था दीन इब्राहिम तौहीद खालिस था। तर्जुमा, याद करो वो वक्त जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि तुम जिनकी बंदगी करते हो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा ताल्लुक सिर्फ उससे है जिसने मुझे पैदा किया, वही मेरी रहनुमाई करेगा। और इब्राहिम यही कलमा अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गया ताकि वो इसकी तरफ रुजू करें। अजीज साथियों, मैंने कुछ दिन पहले भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से आपके सामने बात रखी थी, आज फिर रखना चाहूंगी। हम महसूस करते हैं कि जहां से इब्तदा होती है पहले पारे की, वहां से लेकर देख लें आज 25वां पारा है, मुसलसल कितनी मरतबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है। जाहिर है कि ये हमारे लिए फिर एक रोल मॉडल है। आयत के हवाले से तो अगर उसकी सियाक व सबाक के हवाले से पहले बात रख देती हूँ कि यानी जब भी बराए रास्त यानी जब भी बराए रास्त राह रास्त से जरा कदम हटे तो ये कलमा इनकी रहनुमाई के लिए मौजूद रहे। यानी जो उन्होंने कहा ना कि और इब्राहिम यही कलमा अपनी अपने पीछे अपनी औलाद में छोड़ गया ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें,
यानी जब भी राह रास्त से जरा कदम हटे तो ये कलमा इनकी रहनुमाई के लिए मौजूद रहे और वो उसी की तरफ पलट आए। इस वाक्य को जिस गर्ज के लिए यहाँ बयान किया गया है वो ये है कि कुफारे कुरैश की नामकबूलियत को पूरी तरह बेनकाब कर दिया जाए और इन्हें इस बात पर शर्म दिलाई जाए कि तुमने असलाफ की तकलीद इख्तियार की भी तो उसके लिए अपने बेहतरीन असलाफ को छोड़कर अपने बदतरीन असलाफ का इंतखाब किया। क्यों? इसलिए कि अरब में कुरैश का जो डोमिनेंट होने की वजह वो तो ये थी कि वो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थे और इनके बनाए हुए काबे की मुजावरी कर रहे थे, इसलिए इसलिए इन्हें पैरवी तो उनकी करनी चाहिए थी ना, ना कि अपने उन जाहिल असलाफ की जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के तरीके को छोड़कर गिर्दो पेश की बुत परस्त कौमों से शिर्क सीख लिया था। फिर इस वाक्य को बयान करके एक और पहलू से भी इन गुमराह लोगों की गलती को पॉइंट आउट किया गया, वाजे किया गया, और वो ये कि हक़ो बातिल की तमीज किए बगैर अगर आंखें बंद करके बाप दादा की तकलीद करना दुरुस्त होता तो सबसे पहले तो ये काम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद करना था, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने साफ साफ अपने बाप और अपनी कौम से कह दिया कि मैं तुम्हारे इस नक्शे कदम पर नहीं चल सकता जो कि मुझे बातिल नजर आता है, जिसमें तुमने अपनी खालिक को छोड़कर कुछ औरों को माबूद बना रखा है। इससे मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकलीद आबाई के कायल नहीं थे, बल्कि उनका जो मोटो था, उनका जो मसलक था, उनका जो तरीका था वो ये था कि बाप दादा की पैरवी करने से पहले इंसान को आंखें खोल कर देखना चाहिए कि वो सही रास्ता है भी कि नहीं। अगर दलील माकूल हो, जाहिर हो कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनकी पैरवी छोड़कर वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जो दलील की रूह से हक हो। अजीज साथियों, मैं इस वक्त आपके साथ जो खूबसूरत टेक्स्ट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से शेयर करूंगी आज, कि जाहिर है ये हमारे लिए एक रोल मॉडल कुरान बार बार हमारे सामने लेकर आता है। ये जो टेक्स्ट है इसकी हेडिंग ही है, ये है कि रब्बना तकब्बल मिन्ना। मुसन्निफ ने लिखा कि इंसान एक दिन में, एक माह में, एक साल में, एक उम्र में हजारों लाखों करोड़ों छोटे बड़े काम अंजाम देता है। कुछ काम नए अंजाम देता है, कुछ सीखे हुए दोहराता है, कुछ आसान काम करता है, कुछ के लिए अपनी जान जोखों में डाल देता है, कुछ अपने लिए करता है, कुछ दूसरों के लिए अंजाम देता है। ऐसी ही एक खिदमत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अंजाम दी थी जब उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की बुनियादें रखी थी और दीवारें उठाई थी। अब ये वही खाना काबा जिसके ऊपर कुरैश जो थे वो बिल्कुल ही किसी और अंदाज में उस चीज को ले गए कि हम बड़ी चीज है, लेकिन यहाँ जब मैं टेक्स्ट पढ़ूंगी तो हमें महसूस पता चलेगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इसी मामले में क्या रवैया था। ऐसी ही खिदमत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अंजाम दी जब उन्होंने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की बुनियादें रखी थी और दीवारें उठाई थी। बेटा भारी भारी पत्थर उठाकर लाता और बाप इन पत्थरों को अपने दस्ते मुबारक से दीवारों में चुनता जाता। ये कामों में से कोई एक काम ना था, दुनिया का अजीम तरीन काम था, वसीओ बहुत बड़ा, हसीनो बेमिसाल कायनात को बनाने वाले का मकान इसका घर जमीन पर बनाया जा रहा था। ला महदूद रहने वाले को महदूद चार दीवारी में पाने का आला मकाम तामीर किया जा रहा था। एक ऐसी मजदूरी जिसे बढ़कर कोई जिम्मेदारी ना कभी अंजाम दी गई होगी ना दी जा सकेगी, और ऐसे मजदूर ना कभी कोई थे ना बन सके। आइए देखें कि ये मजदूर अपने दिलो जान से क्या सदा बुलंद करते हैं, क्या सदा बुलंद करते दिखाई देते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। इतना बड़ा मकाम पाने के बावजूद मैं तर्जमा पढ़ दूं, ऐ हमारी रब हमसे कबूल कर ले, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला। इतना बड़ा मकाम पाने के बावजूद इनके अंदर कोई फख्र और गुरूर ना था, कोई तकबर और बड़ाई का एहसास ना था। वो इज्जो न्याज का पैकर थे, कांपते और लरसते थे और पुकारते थे, ऐ हमारे रब हमसे कबूल कर ले। वो जानते थे कि असल ताकत और तौफीक हमारी नहीं है, वो समझते थे कि हम कमजोर और नातवाएं, जितने भी बड़े बेड़े उठा लें असल ताकत का मंबा और सरचश्मा रब की जात ही है। इन्हें मालूम था कि जो कुछ करना है इसी को राजी करने के लिए करना है, इसलिए उन्होंने अपना रुख अपनी जात और इसके कमालात और बड़ाई की बजाय
इसीलिए उन्हें अपना रुख अपनी जात और इसके कमालात और बड़ाई की बजाय अपने रब की अजमत और बुजुर्गी और इसकी रजा पा जाने पर ही रखा। और यही मोमिन की जिंदगी का असल रुख और मकसद है। काम तो करना ही है, थोड़े हों या ज्यादा, छोटे हों या बड़े, आसान हों या कठिन, अपना मुतमाई नजर अपने रब की रजा को बना लें और इसके आगे आजी और इनके सारी से झुके रहें, तो इम्कान मौजूद है कि हमारे खुलूस और तलब को देखकर हमारा रब हमसे राजी हो जाए और हमारी दोनों जिंदगियों को रहमतों, बरकतों और आफियतों से भर दे और हमारी इन टूटी फूटी कोशिशों की भरपूर मजदूरी अदा कर दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना। अजीज साथियों, उम्मीद है कि इस टेक्स्ट से भी हमें समझ आई होगी, जहां और बहुत सी बातें, वहां ये भी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुसलसल जो तस्करा कुरान करता है, क्यों करता है, क्यों, इसलिए कि हमें वो रवैये सिखाता है जिससे हम कुर्ब इलाही पा सकते हैं। तर्जुमा इसके बावजूद जब ये लोग दूसरों की बंदगी करने लगे तो मैंने इनको मिटा नहीं दिया, बल्कि मैं इन्हें और इनके बाप दादा को मताए हयात देता रहा, या यहां तक कि इनके पास हक और खोल खोल कर बयान करने वाला रसूल आ गया। मगर जब वो हक इनके पास आया तो उन्होंने कह दिया कि ये तो जादू है और हम इसको मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं ये कुरान दोनों शहरों के बड़े आदमियों में से किसी पर क्यों ना नाजिल किया गया, क्या तेरे रब की रहमत ये लोग तकसीम करते हैं, दुनिया की जिंदगी में इनकी गुजर बसर के जराए तो हमने इनके दरमियान तकसीम किए हैं और इनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरे लोगों पर हमने बादर्जा फौकियत दी है ताकि एक दूसरे से खिदमत लें, और तेरे रब की रहमत उस दौलत से ज्यादा कीमती है जो इनके रईस समेट रहे हैं। अजीज साथियों, सीखने के हवाले से बहुत अहम आयात 33-35, अल्लाह की निगाह में दुनिया की हकीकत। मैं बल्कि यहाँ अपनी फीलिंग बताऊं तो वो ये है कि यहाँ से आयात 33-35 तक अल्लाह ने माल और दौलत की तो तहकीर ही कर दी है, इसको वैल्यूलेस ही बनाकर रख दी है, जिससे हम बहुत इम्प्रेस रहते हैं। तर्जुमा, अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे तो हम खुदाए रहमान से कुफर करने वालों के घरों की छतें और इनकी सीढ़ियां जिनसे वो अपने बाला खानों पर चढ़ते हैं और उनके दरवाजे और उनके तख्त जिन पर वो तकिए लगा कर बैठते हैं सब चांदी और सोने के बनवा देते, ये तो महज हयात दुनिया की मता है और आखिरत तेरे रब के यहाँ सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। अजीज साथियों, यहाँ हमें गौर करना चाहिए हमारी सोचें क्या है। माल और दौलत की यहाँ तो अल्लाह ने तहकीरी कर दी है, इंसान जिस माल और मता पर मरता मिटता है इसकी अल्लाह और रसूल की निगाह में जो हैसियत है इसको यहाँ बयान फरमा दी है। और हदीस में दुनिया की तहकीर बार बार बयान हुई है, कहीं दुनिया और इसके माल और मता को मच्छर के पर से भी हकीरतर बयान फरमाया मुस्नद अहमद और तिरमिजी में, कहीं इससे कनकटे मुर्दा बकरी के बच्चे से कमतर बयान फरमाया और जन्नत में कूड़ा रखने की जगह को दुनिया और माफिया से बेहतर बताया बुखारी में। यही बात यहाँ वाज़े फरमाई कि दुनिया का मालो मता तो वक्ती आर्जी है, लिहाजा इसे इसे कुछ वो सिंबल ना दे दिया जाए, वो अलामत ना समझा जाए कि ये कोई बड़ा पहुंचा है। अल्लाह अपने नाफरमानों पर बसा औकात दोनों हाथों से नेमतों का मी बरसा देता है, बड़े बड़े क्या मैं कहूँ, बड़े बड़े जो बदकार होते हैं, बददियानत सियासतकार माल और दौलत के अंबार लिए हुए होते हैं और नेकुकार और सालीन बजायर तही दस्त होते हैं, सो इसे देखकर धोखे में मुब्तला नहीं हो जाना चाहिए। तर्जुमा, जो शख्स रहमान के जिक्र से तगाफुल बरतता है हम इस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका रफीक बन जाता है। ये शैतान ऐसे लोगों को राय रास्त पर आने से रोकते हैं और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। आखिरकार जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुंचेगा तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक और मगरिब का बोध होता, तू तो बदतरीन साथी निकला।
उस वक्त इन लोगों से कहा जाएगा कि जब तुम जुल्म कर चुके तो आज ये बात तुम्हारे लिए कुछ भी नाफे नहीं है कि तुम और तुम्हारे शयातीन अजाब मुश्तरिक है, यानी इस उम्र में तुम्हारे लिए तसल्ली का कोई पहलू नहीं है कि तुम्हें गलत राह पर डालने वाले को सजा मिल रही है, क्योंकि वही सजा गुमराही कबूल करने की पादाश में तुम भी पा रहे हो। अजीज साथियों, तगाफुल की सजा क्या है? अल्लाह की याद और कुरान से गफलत, ये तगाफुल की सजा होती है। अल्लाह की याद और कुरान से गफलत शैतान के मुसल्लत हो जाने का सबब बनती है। शैतान इंसान के साथ नथी है, अल्लाह के जिक्र और इसकी इताअत से गफलत शैतान को स्ट्रॉन्ग कर देती है, कवी कर देती है, बुराइयों के रास्ते खोल देती है, नेकियों का हसूल और मुश्किल बना देती है। गफलत ही गफलत में इंसान आखिरत के अजाब तक जा पहुंचता है, वहां जाकर होश आएगी लेकिन फिर फायदा कुछ नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू आया 37-39। तर्जुमा, अजीज साथियों, आयात 40-45 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई फरमाई गई है। अब क्या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों और सरी गुमराही में पड़े हुए लोगों को राह दिखाओगे? अब तो हमें इनको सजा देनी है, ख्वाह तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुमको आंखों से इनका वो अंजाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया। हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है, तुम बहरहाल उस किताब को मजबूती से थामे रहो जो वही के जरिए से तुम्हारे पास भेजी गई है, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। हकीकत यह है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है और करीब तुम लोगों को इसकी जवाबदेही करनी होगी। तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे थे उन सब से पूछ देखो, क्या हमने खुदाए रहमान के अलावा कुछ दूसरे माबूद भी मुकरर किए थे कि उनकी बंदगी की जाए? अजीज साथियों, आयत 46-50 में आले फिरौन की बदनसीबी का जिक्र है। तर्जुमा, हमने मूसा को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके आयाने सुल्तनत के पास भेजा और इसने जाकर कहा कि मैं रब्बिल आलमीन का रसूल हूँ। फिर जब उसने हमारी निशानियां इनके सामने पेश की तो वो ठट्टे मारने लगे। हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़ कर थी और हमने उनको अजाब में धर लिया ताकि वो अपनी रविश से बाज आए। हर अजाब के मौके पर वो कहते हैं, साहिर अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए उसे दुआ कर, हम जरूर आए रास पे आ जाएंगे। मगर जो ही क्या हम इन पर से अजाब हटा देते वो अपनी बात से फिर जाते हैं। अजीज साथियों, अब आयात 51-56 में फिरौन के तकबर का जिक्र है। तर्जुमा, एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगों क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें मेरे नीचे नीचे और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूं या ये शख्स जो जलील और हकीर है और अपनी बात भी खोलकर बयान नहीं कर सकता? क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता इसके अर्दली में ना आया? उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने इसकी इताअत की। दरहकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने इनसे इंतकाम लिया और इनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बाद वालों के लिए पेशरो और नमूने इबरत बनाकर रख दिया। और जूही के इब्ने मरियम की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने उस पर गुल मचा दिया और लगे कहने कि हमारा मबूद अच्छे हैं या वो। अजीज साथियों, असल में ये अब आयात 56-60 टॉपिक लिए हुए मुशरिकीन मक्का की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, और जूही के इब्ने मरियम की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने इस पर गुल मचा दिया और लगे कहने के हमारे मबूद अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वो तुम्हारे सामने महज कज बहसी के लिए लाए हैं, हकीकत यह है कि ये हैं ही झगड़ालू लोग। इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ ना था कि एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। अजीज साथियों, मैं इतना बैकग्राउंड रख देती हूँ यहाँ कि ये तकरीर जब अहले मक्का के सामने हो रही थी तो एक शख्स ने एतराज जड़ दिया कि क्यों साहब ईसाई मरियम के बेटे को खुदा का बेटा करार देकर इसकी इबादत करते हैं या नहीं।
फिर हमारे महबूद क्या बुरे हैं। इस पर कुफार के मजमे से एक जोर का कहका बुलंद हुआ और नारे लगने शुरू हो गए कि वो मारा पकड़े गए। अब बोलो उसका क्या जवाब है। लेकिन इनकी इस बेहूदगी पर सिलसिला कलाम तोड़ा नहीं गया, बल्कि जो मजमून चला आ रहा था पहले उसे मुकम्मल किया गया और फिर उस सवाल की तरफ तवज्जो की गई जो आदमी ने उठाया था। तर्जुमा, और जू ही कि इब्ने मरियम की मिसाल दी गई, तुम्हारे कौम के लोगों ने उस पर गुल मचा दिया और लगे कहने के हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। ये मिसाल वो तुम्हारे सामने महज कज बहसी के लिए लाए हैं। हकीकत यह है कि ये है ही झगड़ालू लोग। इब्ने मरियम इसके सिवा कुछ ना था कि एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दें, हम चाहें तो तुमसे फरिश्ते पैदा कर दे जो जमीन में तुम्हारी जानशीन हो, जो जमीन में तुम्हारे जानशीन हो, और वो दरअसल कयामत की एक निशानी है। बस तुम इसमें शक ना करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है। ऐसा ना हो शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा सरी निशानियां लिए हुए आया था तो इसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास हिकमत लेकर आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज उन बातों की हकीकत खोल दूं जिनमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हकीकत यह है कि अल्लाह ही मेरा रब्बी और तुम्हारा रब्बी, उसी की तुम इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। मगर उसकी इस साफ तालीम के बावजूद ग्रोहों ने आपस में इख्तिलाफ किया, पस तबाही उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दर्दनाक दिन के अजाब से। क्या ये लोग अब बस इसी चीज के मुंतजर हैं कि अचानक इन पर कयामत आ जाए और उन्हें खबर भी ना हो। वो दिन जब आएगा तो मुत्तकीन को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। अजीज साथियों, अब आयात 68-78 में फरमा बरदारों का हसीन अंजाम और मुजरमीन का बुरा अंजाम बयान हुआ है। गौर से सुनिएगा। तर्जमा, उस रोज उन लोगों से जो हमारी आयात पर ईमान लाए थे और मुती फरमान बनकर रहे थे कहा जाएगा कि ऐ मेरे बंदों, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं और ना तुम्हें कोई गम लाहक होगा। दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। उनके आगे सोने के थाल और सागर गर्दिश कराए जाएंगे और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी। इनसे कहा जाएगा तुम अब यहाँ हमेशा रहोगे, तुम इस जन्नत के वारिस अपने उन अमाल की वजह से हुए हो जो तुम दुनिया में करते रहे। तुम्हारे लिए यहाँ बकसरत फवाके मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। रहे मुजरमीन तो वो हमेशा जहन्नुम के अजाब में मुबतला रहेंगे, कभी उनके अजाब में कमी ना होगी और उसमें मायूस पड़े होंगे। इन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। वो पुकारेंगे ए मालिक। अजीज साथियों, या मालिक से मुराद जहन्नुम का दरोगा है, कलाम से इस तरह से महसूस होता है। तर्जुमा, वो पुकारेंगे ए मालिक तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। वो जवाब देगा तुम यूं ही पड़े रहोगे, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे मगर तुम में से अक्सर को हक ही नागवार था। अजीज साथियों, बायात 79-83 में मुशरिकीन मक्का की साजिशों का जवाब है। तर्जुमा, क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम इनकी इराज की बातें, उनकी सगोशियां सुनते नहीं है? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते इनके पास ही लिख रहे हैं। इनसे कहो अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। पाक है आसमान और जमीन का फरमा रवा अर्श का मालिक उन सारी बातों से जो ये लोग उसकी तरफ मंसूब करते हैं। अच्छा, इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो, यहां तक कि ये अपना वो दिन देख लें जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। अजीज साथियों, बायात 84-86 में अजमत बारी ताला बयान हुई है। वही एक तर्जमा, वही एक आसमान में भी खुदा है और जमीन में भी खुदा, और वही हकीम व अलीम है, बहुत बाला व बरतर है वो जिसके कब्जे में जमीन और आसमानों और हर चीज की बादशाही है जो जमीन और आसमान के दरमियान पाई जाती है, और वही कयामत की घड़ी का इल्म रखता है और इसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते हैं वो किसी शफात का इख्तियार नहीं रखते इल्ला ये कि कोई इल्म की बिना पर हक की शहादत दे।
अजीज साथियों, आयात 87 टिल 89 में मुशरकीन मक्का की शुबहात का मौसर रद्द है। तर्जुमा, और अगर तुम इनसे पूछो कि ने किसने पैदा किया तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर कहाँ से ये धोखा खा रहे हैं? कसम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की कि ए रब, ये वो लोग हैं जो मान कर नहीं देते। अच्छा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे दरगुजर करो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। अजीज साथियों, इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरा मुकम्मल हुई और अब हम शुरू करेंगे सूरह दुखान। और मैं सबसे पहले इसका आपके सामने इंट्रोडक्शन रखती हूँ, तारुफ। सूरह दुखान का जो तारुफ अजीज साथियों, मक्की सूरा है, इसकी 59 आयात हैं। टॉपिक्स को डिवाइड करना चाहें पैराग्राफ्स में तो तकरीबन 8 बनते हैं। मरकजी मजमून फिरौनियत, दुनिया परस्ती और इंकार दावत कुरान और इंकार तौहीद आखिरत की सजा, हलाकत दुनिया और दोजख है। और जो ज़माने नज़ूल है इसका, ये सूरह दुखान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम मक्का के तीसरे दौर 6 ता 10 नबी के अवाइल में, गालिबन 7 नबी के जमाने तहत में सूरह जासिया के साथ नाजिल हुई। और मुशरिकीन मक्का की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज किया जा रहा था कि आप मजनून और आप आसेब जदा हैं, और यानी ने और आपको सिखाया पढ़ाया गया, ये आखिरत के बारे में शक और रेब में मुब्तिला थे। इन्हें धमकी दी गई कि रोजे कयामत इनसे इंतकाम लिया जाएगा। कुरैश मक्का के रवैये फिरौन जैसे थे, जो जो जुर्म का मुर्तकिब था। इंतजार करो के अल्फाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और कुरैश को धमकी दी गई है कि चंद सालों बाद काया पलट जाएगी। अजीज साथियों, ये जो एक पस मंजर मैंने आपके सामने रखा है, इसको जहन में रखिएगा, इससे आपको जो आयात हैं वो खुद ब खुद अच्छे से समझ आती जाएंगी। और सूरह दुखान का जो किताबी रब्त है वो ये है कि पॉइंट वन, पिछली सूरह जुखरुफ में तौहीद तशरी और तौहीद हाकमियत की जो बात मुस्बत अंदाज में बयान की गई थी, यहाँ सूरह दुखान में वही बात मनफी फिरौनी रवैयों की वजाहत करते हुए रखी गई है। फिरौनी रवैयों ही के नतीजे में शिर्क का अकीदा और रवैया जन्म लेता है। अजीज साथियों, मैं अब सूरह को शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जो हम मजामीन के अतबार से समझे तो तकरीबन ये 2 ता 8 आयात अल्लाह ताला और शब कदर की अजमत बयान कर रही है। हामीम, कसम है उस किताब मुबीन की कि हमने इसे एक बड़ी खैर और बरकत वाली रात में नाजिल किया, क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बे करने का इरादा रखते थे। ये वो रात थी जिसमें हर मामले का हकीमाना फैसला हमारे हुक्म से सादर किया जाता। हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की रहमत के तौर पर, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला, आसमानों और जमीन का रब, और उस चीज का रब जो आसमानों जमीन के दरमियान है। अगर तुम लोग वाकई यकीन रखने वाले हो, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है, वही जिंदगी अता करता है और वही मौत देता है, तुम्हारा रब और तुम्हारे उन असलाफ का रब जो पहले गुजर चुके हैं। मगर फिल वाकई इन लोगों को यकीन नहीं है, बल्कि ये अपने शक में पड़े खेल रहे हैं। अच्छा, इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरी धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा, ये है दर्दनाक सजा। अब कहते हैं कि परवरदिगार हम पर से ये अजाब टाल दे, हम ईमान लाते हैं, इनकी गफलत कहाँ दूर होती है। इनका हाल तो ये है कि इनके पास रसूल मुबी आ गया, फिर भी ये उसकी तरफ मुल्तफत ना हुए और कहा कि ये तो सिखाया पढ़ाया या बावला है, हम जरा अजाब हटाए देते हैं, तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो पहले कर रहे थे। जिस रोज हम बड़ी जरबे लगाएंगे वो दिन होगा जब हम तुमसे इंतकाम लेंगे। अजीज साथियों, बायात 17 ता 22 में आले फिरौन की मुजरिमाना रविश का जिक्र है। तर्जमा, हम इनसे पहले फिरौन की कौम को इसी आजमाइश में डाल चुके हैं। उनके पास एक नहायत शरीफ रसूल आया और इसने कहा, अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले करो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह के मुकाबले में सरकशी ना करो, मैं तुम्हारे सामने अपनी
मामूरियत की सरी सनद पेश करता हूँ। और मैं अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले चुका हूँ इससे कि तुम मुझ पर हमला आवर हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझ पर हाथ डालने से बाज रहो। आखिरकार उसने अपने रब को पुकारा कि ये लोग मुजरिम है। जवाब दिया गया, अच्छा तू रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल, पर तुम लोगों का पीछा किया जाएगा। समुन्दर को उसके हाल पर खुला छोड़ दे, ये सारा लश्कर गर्क होने वाला है। अजीज साथियों, ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब हजरत मूसा अपने काफिले को लेकर समुन्दर पार उतर चुके थे और चाहते थे कि समुन्दर पर असा मारकर उसे फिर वैसा ही कर दें जैसा वो फटने से पहले था, ताकि फिरौन और इसका लश्कर उस रास्ते से गुजर कर ना आ जाए जो मोजे से बना था। उस वक्त फरमाया गया, ऐसा ना करो, इसको इसी तरह फटा का फटा रहने दो ताकि फिरौन अपने लश्कर समेत इस रास्ते में उतर आए, फिर समुद्र को छोड़ दिया जाएगा और ये पूरी फौज गर्क कर दी जाएगी। तर्जमा, कितने ही बाग और चश्मे और खेत और शानदार महल थे जो वो छोड़ गए, कितने ही ऐश के सरो सामान जिनमें वो मजे कर रहे थे उनके पीछे धरे रह गए, ये हुआ उनका अंजाम। और हमने दूसरों को इन चीजों का वारिस बना दिया, फिर ना आसमान उन पर रोया ना जमीन, और जरा सी मोहलत भी उनको ना दी गई। अजीज साथियों, बायात 30-33 में बनी इसराइल पर अल्लाह के इनामात का जिक्र है। तर्जुमा, इस तरह बनी इसराइल को हमने सख्त जिल्लत के अजाब फिरौन से निजात दी, जो हद से गुजर जाने वालों में फिल वाकई बड़े ऊंचे दर्जे का आदमी था, और उनकी हालत जानते हुए उनको दुनिया की दूसरी कौमों पर तरजीह दी और उन्हें ऐसी निशानियां दिखाई जिनमें सरी आजमाइश थी। अजीज साथियों, अब जो टॉपिक आ रहा है, अहम टॉपिक है, आया 34-37 में, क्या मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होना? ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं है। ये लोग कहते हैं हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं है, उसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं है। अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को, ये बेहतर है या तुबा की कौम और उससे पहले के लोग? हमने इनको इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हो गए थे। ये आसमान और जमीन और इनके दरमियान की चीजें हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी है, इनको हमने बरहक पैदा किया, मगर अक्सर लोग जानते नहीं है। इन सबके उठाए जाने के लिए तयशुदा वक्त, फैसले का दिन है, वो दिन जब कोई अजीज करीब अपने किसी अजीज करीब के कुछ भी काम ना आएगा और ना कहीं से इन्हें कोई मदद पहुंचेगी, सवा इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे, वो जबरदस्त और रहीम है। अजीज साथियों, अब आयात 43-50 में आखिरत में बुरा अंजाम का जिक्र है। तर्जुमा, जकूम का दरख्त गुनाहगार का खाजा होगा, तेल की तलछट जैसा, पेट में इस तरह जोश खाएगा जैसे खोलता हुआ पानी जोश खाता है। पकड़ो इससे और रेखते हुए ले जाओ इसको जहन्नुम के बीचों बीच और उंडेल दो इसके सर पर खोलते पानी का अजाब। अस्तग़फिरुल्लाह। अजीज साथियों, मुझे चंद लम्हों का ब्रेक लेना है। मैं पढ़ती हूँ लेकिन मुझे उसके बाद फिर चंद लोगों का ब्रेक लेना होगा। तर्जुमा, और उंडेल दो इसके सर पर खोलते पानी का अजाब, चक चक इसका मजा, बड़ा जबरदस्त इज्जतदार आदमी है तू, ये वही चीज है जिसके आने में तुम लोग शक रखते थे। मैं चंद लोगों का ब्रेक लेती हूँ जी साथियों।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, मैंने तर्जमा पढ़ा था कि ये वही चीज है जिसके आने में तुम लोग शक रखते थे। अजीज साथियों, मैं यहाँ इतनी बात रखती हूँ कि आज खाने पीने की लज़ात, स्टेटस, जाह मनसब की हवस, अपनी कोई खास कोई इज्जत वकार या मादियत के लिए तगो दौ करने का दौर है ना। ये दुनिया इस वक्त जो उसका फोकस है वो इन चीजों पर है। ऐसे में ये जो सूरा है इसकी खास तौर पे ये जो आयात 43-50 है, क्या दिल दहला कर नहीं रख देती हैं? यकीनन दिल दहला देती हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को दिलों का जंग उतारने का सबब और समान बताया। हुब्बे दिल जब दिल हुब्बे दुनिया में खो जाता है, जब दिल दुनिया की दलदल में धंसने लगता है, हुब्बे माल, हुब्बे जहां आंखों पर स्याह पर्दे तान दे, जब दुनिया का काला मोतिया समझे आंखों में उतर आए, तो मुझे लगता है हमें ये आयात पढ़नी चाहिए। टिल 43-50 जो हौलनाक नक्शा ये पेश करती है इससे बचने की सबील, ताकि कुछ हो सके, नहीं तो फिर हम उसी दलदल में फंसते चले जाएंगे। वो बुखारी की रिवायत है ना कि बच्चों इस आग से ख्वाब खजूर का एक टुकड़ा ही सदका में देकर। अल्लाह ताला फरमा रहे, तंबी कर रहा है कि कल क्या होगा, आज गौर कर लो। तर्जुमा, अच्छा अजीज साथियों, आयत 51-59 में दूसरा रुख है, एक ऑपोजिट ऑन द अदर हैंड से कहते हैं ना, एक और दूसरा रुख अल्लाह ताला ने हमें दिखाया है। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि देखो ये पर्सपेक्टिव है, एक इस पे गौर कर लो और दूसरा ये पर्सपेक्टिव है, इस पे गौर कर लो। अब अल्लाह हमें एक और रुख दिखा रहे हैं, आए गौर से देखते हैं। तर्जुमा, खुदा तर्स लोग अमन की जगह में होंगे, बाघों और चश्मों में हरीर और दीबा के लिबास पहने आमने सामने बैठे होंगे, ये होगी इनकी शान, और हम गोरी गोरी आहू चश्म औरतें इनसे ब्याह देंगे। वहां वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीजें तलब करेंगे, वहां मौत का मजा वो कभी ना चखेंगे, बस दुनिया में जो मौत आ चुकी सो आ चुकी, और अल्लाह अपने फजल से इनको जहन्नुम के अजाब से बचा देगा, यही है बड़ी कामयाबी। अजीज साथियों, ये दूसरा रुख था। अब आप देखिए, अल्लाह ताला ने दोनों रुख खोल के हमारे सामने सूरह दुखान में रख दिए और फैसला हम पे छोड़ दिया, इख्तियार हमें दे दिया। ये इख्तियार और ये फैसला, यही असल में हमारा इम्तिहान है, यही हमारी आजमाइश है। मुझे लगता है कि बचत इसी में फिर है, जो मैंने कुछ देर पहले भी वो कोट रखा था ना कि हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि नहीं, अच्छा वो मैंने रखा था एक और कोट कि जब इंसान अपनी गलती को बड़ा समझता है तो वो अल्लाह की नजर में छोटी हो जाती है, और जब इंसान अपनी गलती को मामूली समझता है तो वो अल्लाह की नजर में बड़ी हो जाती है। और फिर अब यहाँ मुझे लगता है ये समझने की कोशिश या जो हासिल असूल हम इस वक्त अगर बैठे समझें तो मुख्तसर अल्फाज में ये है कि हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, ये भी कोट है, हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। तो अल्लाह ताला हमें ठोकरों से बचाए, क्योंकि आगे जाके बड़ी वरना जोर की ठोकर लगनी है, लेकिन जो इन ठोकरों से यार वहां बच गया तो जाहिर है कि उसका अंजाम ये हुआ कि वो अपने रब का कुर्ब पा गया और उस इनाम का मुस्तहिक हुआ जिसका इन आयात में जो दूसरा रुख है आयात 51-59 में उसका मुस्तहिक हो गया। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने इस किताब को तुम्हारे लिए जबान में सहल बना दिया ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें, अब तुम भी इंतजार करो, ये भी मुंतजर है। अजीज साथी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सूरह अभी मुकम्मल हुई और अब आखिरी सूरह जासिया जो है इसको हम शुरू करते हैं। मैं इसका आपके सामने तारुफ रखूंगी। सबसे पहले सूरह जासिया जो है अजीज साथियों, ये इस मक्की सूरह है और इसकी 37 आयात हैं, और टॉपिक्स को अगर हम समझना चाहें तो इसके 7 पैराग्राफ्स बनते हैं। मरकजी मजमून जो है इसका बहरहाल वो ये है कि अल अजीज अल हकीम हस्ती ने एक मकसद के तहत कायनात की तख्लीक की है, जिसकी वजाहत के लिए कुरानी दलाइल पेश किए जा रहे हैं। इनका मजाक उड़ाने के बजाय तौहीद व आखरत की दावत पर ईमान लाओ और दुनिया परस्ती से बचो।
زمان نزول کے حوالے سے عزیز ساتھیوں، یہ سورہ جاسیہ جو ہے یہ قیام مکہ کے تیسرے دور میں 6 تا 10 نبوی، سورہ دخان کے ساتھ غالباً 7 نبوی کے دور قحط میں نازل ہوئی۔ یہ عزیز ساتھیوں ضرور ذہن میں پس منظر رکھیے گا۔ میں بہت زیادہ تشریحات میں نہیں جاتی جب میں آیات پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے ذہن میں یہ پس منظر موجود ہو تو پھر آپ کو خود بخود بات سمجھ آ رہی ہوتی، پھر صرف چھوٹی چھوٹی جو ہیڈنگز آیات کے گروپس کے طور پر آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتی جائیں گی بات کو سمجھنے میں، اور پھر ہمارے ہمیں زیادہ وقت مل جاتا ہے کہ آیت کی جو روح ہے اس کو سمجھیں اور اپنے حالات حاضرہ میں اپنے اوپر اس کو منطبق کر کے ویسا کردار بننے کی کوشش کی جائے جیسا اللہ کو مطلوب ہے۔ غور سے سنیے گا، میں دہرا دیتی ہوں کہ قیام مکہ کے تیسرے دور میں 6 تا 10 نبوی، سورہ دخان کے ساتھ غالباً 7 نبوی کے دور قحط میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں توحید اور آخرت کی عقلی، نقلی، تاریخی، آفاقی اور انفسی دلیلیں پیش کر رہے تھے۔ ان دلیلوں ایویڈنسز کے لیے سورت میں آیا اور آیات کے الفاظ بار بار استعمال کیے گئے ہیں۔ ان دلائل کے جواب میں مشرکین مکہ مذاق اور استہزاء سے کام لے رہے تھے، شرک ولایت میں مبتلا تھے، منکر آخرت تھے، خواہشات نفس کو خدا بنا کر تکبر کے عالم میں، دنیا پرستی کے مرض میں شدت سے مبتلا تھے۔ انہیں سمجھایا گیا ہے کہ وہ قرآنی دلائل کی روشنی میں مقصد تخلیق کائنات کو سمجھ کر ایمان لائیں تو فلاح اور عافیت نصیب ہوگی۔ سورہ جاسیہ کا جو کتابی ربط ہے عزیز ساتھیوں، پوائنٹ ون، پچھلی سورہ دخان میں فرعونیت سے روکا گیا تھا اور یہاں اس سورہ میں فرعونیت اور یہاں اس سورہ میں اسی کے متعلق مزید بات ہوئی ہے، اور ہوائے نفس کی عبادت اور تکبر استہزاء جیسے منفی فرعونی رویوں کی وجہ سے فرعونیت جنم لیتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں میں نے یہ اتنا مختصر کوشش کی ہے کتابی ربط آپ کے سامنے رکھنے کی، اور اب آگے بڑھتے ہیں عزیز ساتھیوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، جو آیات 2 تا 6 ہیں اس میں ٹاپک بنتا ہے آیات الہی کا بیان۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھتا ہے ہواؤں کی گردش میں، بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ عزیز ساتھیوں، یہ جو نشانیاں ہیں یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اس معرفت کے ذریعے ہم خود بخود اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کو پہچان جاتے ہیں۔ ترجمہ عزیز ساتھیوں، آیات 7 تا 11 کا جو ٹاپک بنتا ہے وہ آیات الہی سے اعراض کی سزا۔ ترجمہ: تباہی ہے اور اس جھوٹے بد عمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ، یعنی تکبر کے ساتھ، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مزدہ سنا دو، ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے۔ جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست تھی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے، جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزارو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن
आने का कोई अंदेशा नहीं रखते, उनकी हरकतों पर दरगुजर से काम ले ताकि अल्लाह खुद एक ग्रोह को इसकी कमाई का बदला दे। जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए करेगा, और जो बुराई करेगा वो आप ही इसका खुमियाजा भुगतेगा। फिर जाना तो सबको अपने रब ही की तरफ है। इससे पहले अजी साथियों, अब आयात 16-17 में बनी इसराइल की बदनसीबी का जिक्र है। इससे पहले बनी इसराइल को हमने किताब और हुक्म और नबुवत अता की थी, उनको हमने उम्दा सामान अजीज से नवाजा, दुनिया भर के लोगों पर इन्हें फजीलत अता की और दीन के मामले में उन्हें वाज़ह हिदायत दे दी। फिर जो इख्तलाफ उनके दरमियान रोनुमा हुआ वो ना वाकफियत की वजह से नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ, और इस बिना पर हुआ कि वापस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह कयामत के रोज उन मामलात का फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे। इसके बाद अब ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको दीन के मामले में एक साफ शारा शरीयत पर कायम किया, लिहाजा तुम उसी पर चलो और उन लोगों की ख्वाहिशात का इतबा ना करो जो इल्म नहीं रखते। अल्लाह के मुकाबले में वो तुम्हारी कुछ भी काम नहीं आ सकते। जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं और मुत्तकियों का साथी अल्लाह है। ये बसीरत की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए और हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो यकीन लाए। अजीज साथियों, बहरहाल जब ये कहा गया कि जालिम लोग एक दूसरे के साथी और मुत्तकियों का साथी अल्लाह है, और फिर आगे कहा गया ये बसीरत की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए और हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो यकीन लाए, तो बहरहाल मुसलमानों की भी यह आजमाइश है। तर्जुमा, क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तकाब किया ये समझ बैठे हैं कि हमें उन्हें और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि इनका जीना और मरना यकसा हो जाए? बहुत बुरे हुक्म हैं जो ये लोग लगाते हैं। अल्लाह ने तो आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया और इसलिए किया है कि हर मुतनफ्फस को उसकी कमाई का बदला दिया जाए। लोगों पर जुल्म हरगिज ना किया जाएगा। फिर क्या तुमने कभी उस शख्स के हाल पर भी गौर किया जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया और अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसे गुमराही में फेंक दिया और उसके दिल और कानों पर मोहर लगा दी और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया? अल्लाह के बाद अब और कौन है जो उसे हिदायत दे? अजीज साथियों, इल्म के बावजूद हक से मुंह फेरा जा सकता है? क्या ऐसा शख्स भी हिदायत खो सकता है? जो समझ आती है इन आयात से वो ये कि ख्वाहिश नफ्स को लगाम ना दी जाए तो या ऐसे बात को रखती हूँ कि ख्वाहिश नफ्स को लगाम ना देना इसकी बंदगी में मुबतला हो जाना बदतरीन गुमराही का सामान लाता है। इल्म वाले को आम लोगों की बनिस्बत बहुत ज्यादा मुहतात होना चाहिए। ख्वाहिशात नफ्स को काबू में रखे, शैतान और नफ्स के धोखों से बचेगा। डाकू वही आता है ना जहां माल हो, तो शैतान और नफ्स के शदीद हमलों का सामना करते हुए अगर शिकस्त खा गया, हथियार डाल दिए, तो इल्म के बावजूद गुमराह हो जाएगा। दिल कानों पर मोहर और आंखों पर सजा के तौर पर पर्दे डाल दिए जाएंगे। हमने ऐसे कुछ वाकयात पहले भी समझे हैं ना कुरान से गुजरते हुए। तर्जुमा, क्या तुम लोग कोई सबक नहीं लेते? ये लोग कहते हैं कि जिंदगी बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, यही हमारा मरना और जीना और गर्दिश अयाम के सिवा कोई चीज नहीं जो हमें अलग करती हो। दरहकीकत इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं है, ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करती हैं, और जब हमारी वाज़े आयात इन्हें सुनाई जाती है तो इनके पास कोई उज्जत इसके सिवा नहीं होती कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को अगर तुम सच्चे हो। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी बख्शता है, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुमको उस कयामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं है। जमीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस रोज कयामत की घड़ी आ खड़ी होगी उस दिन बातिल परस्त खसारे में पड़ जाएंगे। उस वक्त तुम हर ग्रोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे, हर ग्रोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नामा या माल देखे। उनसे कहा जाएगा आज तुम लोगों को उन अमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे। ये हमारा तैयार किया अमाल नामा है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक शहादत दे रहा है। जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे हैं। फिर जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल करते रहे थे इन्हें इनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा
और यही सारी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफर किया, और जिन लोगों ने कुफर किया था उनसे कहा जाएगा, क्या मेरी आयात तुमको नहीं सुनाई जाती थी, मगर तुमने तकबर किया और मुजरिम बन कर रहे। और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा बरहक है और कयामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते कयामत क्या होती है, हम तो बस एक गुमान सा रखते थे, यकीन हमको नहीं है। उस वक्त उन पर उनके अमाल की बुराइयां खुल जाएंगी और वो उसी चीज के फेरे में आ जाएंगे जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। और इनसे कह दिया जाएगा कि आज हम भी उसी तरह तुम्हें भुलाई देते हैं जिस तरह तुम उस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोजख है और कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ कि तुमने अल्लाह की आयात का मजाक बना लिया था और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था। लिहाजा आज ना ये लोग दोजख से निकाले जाएंगे और ना इनसे कहा जाएगा कि माफी मांगकर अपने रब को राजी करो। पास तारीफ अल्लाह ही के लिए जो जमीन और आसमानों का मालिक और सारे जहान वालों का परवरदिगार है। जमीन और आसमानों में बड़ाई उसी के लिए और वही जबरदस्त और दाना है। वहुवल अजीजुल हकीम। अजीज साथियों, मैंने चाहा था कि यहाँ मैं आपके साथ आज अल अजीज अल्लाह का जो नाम है उसके हवाले से आपके साथ बात रखूं। हमारा हल्का नूरुल ईमान में इस वक्त एक किताबचा बल्कि अस्माउल हुस्ना के हवाले से तैयार हो रहा है। उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत किताबचा होगा वो। मैंने सोचा था कि मैं अल अजीज का जो तारुफ है वो आपके सामने रखूं, लेकिन मेरी नजर टाइम पर इस वक्त गई है और हमारा टाइम तकरीबन मुकम्मल होने को है। इंशाल्लाह अगला पारा शुरू करने से पहले मैं ये तारुफ आपके साथ नेक्स्ट टाइम रखूंगी। इस वक्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 25वां पारा मुकम्मल हुआ। ऑर्गेनाइजर्स प्लीज आप मुझे आज की हदीस दिखा दें। आज की हदीस अजीज साथियों, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि इसकी ख्वाहिश नफ्स इस हिदायत के ताबे ना हो जाए जो मैं लाया, यानी कुरान हकीम। और आज की दुआ اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وبصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم। इस खूबसूरत दुआ का तर्जुमा अजीज साथियों, ए अल्लाह हमारे दिलों में उल्फत डाल दे, हमारी इसलाह फरमा, हमें अमन की राह पर गामजन कर, हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले आ, हमें फाहिशी से जाहिरी या बातनी से बचा, और हमारी समात बसारत हमारे दिलों, हमारी बीवियों और हमारी औलाद में बरकत दे, और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू तौबा करने वाला मेहरबान है। अजीज साथियों, इसके साथ ही मेरी तरफ से सेशन मुकम्मल हुआ। ऑर्गेनाइजर से दरख्वास्त है कि वो जो अवामिर और नवाही हैं वो एचएनआई सर्कल 1 और 2 में शेयर कर दें। मैं माइक ऑफ करती हूँ, आप प्लीज कैरी ऑन कीजिए। ऑर्गेनाइजर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जजाकल्लाह खैर आलिया बाजी, इतने खूबसूरत रिमाइंडर्स देने के लिए। अल्लाह ताला आपको अजर कसीर से नवाजे और हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारी बहनों, आप सबका भी जजाकल्ला खैर कि आपने आज टाइम निकाला और कुरान को सीखने की सआदत में हमारे साथ शामिल रहे। राबिया हुसैन बहन, आप मुख्तसर सी दुआ करवा दीजिए। जजाकल्ला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمدك يا خير معمول وأكرم مسؤول ألا ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول فصلي عليه ما اختلف الدبول والقبول وانشعبت الفروع من الأصول ثم نسألك بما سنقول ومن السؤال ومنك القبول
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم إني أعوذ بك من الأجز يا الله ہم تیری پناہ پکڑتے ہیں کم ہستی سے والكسل والجبن اور سستی سے اور بزدلی سے والحرم والمغرم اور انتہائی قبر سنی سے اور قرضے سے والمعصم ومن عذاب النار اور گناہ سے اور عذاب دوزخ سے وفتنة النار اور دوزخ کے فتنے سے وفتنة القبر اور قبر کے فتنے سے وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے وشر فتنة الغنا اور مالداری کے فتنے سے وشر فتنة الفقر اور محتاجی کے برے فتنے سے ومن شر فتنة المسیح الدجال اور مسیح و دجال کے برے فتنے سے ومن فتنة المحیا والممات ومن القسوتی والغفلتی وعیلتی اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور سخت دلی سے اور غفلت سے اور تنگ دستی سے وزلتی والمسکنتی والکفری اور بیچارگی سے اور کفر سے والفسوق والشقاق اور فکر سے اور ضدی سے وسمتی والریا اور لوگوں کے سناوے سے اور دکھاوے سے ومن السمام والبکم اور بہرے پن اور گنگے پن سے والجنون اور جنون سے والجزام اور جزام سے وسیع الاسقام ودلاء الدین اور بری بیماریوں سے اور بار قرضہ سے ومن الحم والحزن والبخل وغلبات الرجال ومن ان ارد الى ارذل الامور وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب ولا يستجاب لها یا اللہ یا میرے پاک پروردگار ہم سب کے دلوں میں جتنی بھی دعائیں ہیں جتنی بھی جائز دعائیں ان کو قبول و مقبول فرمائے اور جتنی پریشانیاں ہیں انہیں دور کرے الہی ہم سب کو اس دنیا کی فکر کو کے ساتھ جان چھوڑا کے ہمیں آخرت کی فکر لگا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین